हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। गाइस वेलकम टू अन एकेडमी, स्वागत है आपका अन एकेडमी दैट इज एसएससी जेई चैनल, जिसमें आज का हमारा सेशन है दैट इज मैराथन सेशन ऑन कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग रिवीजन। यस गाइस, ये आपके कंप्लीट लॉजिकल रिवीजन का दी एंड होने वाला है। दैट इज व्हाट पूरे के पूरे 50 मार्क्स आपके यहीं के यहीं कवर हो जाएंगे गाइस। ओके चलिए, तो आगे आपका जितना भी पोर्शन है, जो भी हमने अभी तक के पढ़ा है, पूरा की पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी कैटेगरीज आई है इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन व्हाट, ये इसी चीजों पे हम आज का पूरा की पूरा सेशन करेंगे। एंड व्हाट, देयर विल बी टू सेशन गाइस, दैट इज दिस इज पार्ट वन एंड पार्ट टू। बोथ द सेशन कंबाइंडली विल बी ऑफ 5 आवर्स। और डियर, 200 में से 50 मार्क्स आपके पूरे 200 में से 50 मार्क्स सिर्फ यहीं पर आपके लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाएंगे। सो गाइस, बी विद मी ऑन दिस सेशन, ताकि आपका जितना भी अभी तक लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ा हुआ है सारा की सारा यहां पर रिवाइज हो जाए। ओके यस, अ वेरी वार्म एंड हार्टेड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, ताकि किसी का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आज सारे क्वेश्चन हम टाइमर के साथ करेंगे, ताकि आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल भी क्लैरिटी हो जाए रिवीजन में, और आपको थोड़ी अपनी स्पीड भी चेक हो जाए। ओके यस, सो लेट्स, हेलो डियर, हेलो, गुड आफ्टरनून डियर, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो जो भी यहाँ पर नए हैं गाइस, माय नेम इज अजय सिंह राठौर एंड आई विल बी योर एजुकेटर, नॉट ओनली फॉर लॉजिकल रीजनिंग गाइस, आपको लॉजिकल रीजनिंग प्लस साइंस की क्लासेस भी यहीं पर मिलेगी। ओके, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, सो गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। मूविंग ऑन अहेड गाइस, मूविंग ऑन अहेड, व्हाट आई एम वाज टेलिंग, दिस इज व्हाट पूरा के पूरा 5 घंटे में क्या रीजनिंग का दी एंड। आज रीजनिंग का चैप्टर खत्म ही कर देंगे यहाँ पर। इतने सारे मैराथन सेशंस और क्लासेस लिए हैं, जितनी भी कैटेगरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़े, सारा के सारा रीजनिंग आज आपका हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। यस, तो आखिरी तक के जुड़े रहिएगा डियर, दोनों सेशंस में हमें जुड़े रहना है, ताकि मिनिमम टाइम में हमें 50 मार्क्स अप्रूव करना है। मैंने जब फर्स्ट क्लास आपके साथ ली थी, आई हैव व्हाट अश्योर्ड यू कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके मन से रीजनिंग का डर आपके दिमाग से हटा देंगे, और सिर्फ एक गोल हमें लेके चलना है। व्हाट इज अवर गोल? अवर गोल इज 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गाइस। अवर गोल इज व्हाट? 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। यही एम हम हमारे दिमाग में लेके चलेंगे कि ये 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हमें कितने दिन में स्कोर करना है, दैट इज 35 मिनट्स में। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, 55 हमें कितने 35 मिनट्स में स्कोर करना है। और जितनी भी आपको ऐसे सेशंस की लेटेस्ट अपडेट चाहिए, यू कैन जॉइन अवर चैनल दैट इज GS टर्मिनल टेलीग्राम चैनल गाइस। यहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएगी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके चलिए, तो मूविंग ऑन हेड, ये आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन है नीचे, यू कैन ऑल्सो जॉइन मी थ्रू दिस प्रोफाइल, और आपका यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यस, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। यस, सो गाइस, हाउज योर जोश? I am very very fine dear. So guys, how's the josh? Josh must be high. पूरे की पूरे सेशन में जोश एकदम हाई रहना चाहिए, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पर, ताकि हर क्वेश्चन को हम टाइमिंग के साथ तो करें, लेकिन हमेशा मैं आपको एक चीज बताऊं, दैट इज एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट। आपने एक्यूरेसी अगर ला ली डियर, तो जितने क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको मार्क्स में कन्वर्ट करके देगा। ओके, लेकिन एक्यूरेसी आप अगर कहीं पर भी चैलेंज हुई, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यस यस यस, सो जोश मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल, पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर? बोर्ड पे। और वैसे ही जैसे हमारे सारे सेशन चलते थे, वैसे ही मजेदार तरीके से आज का सेशन भी कंडक्ट करेंगे हम लोग। यस गाइज, चलिए, सो मूविंग ऑन हेड, पहले मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको, ताकि आपको मार्क्स वेटेज अच्छे समझ में आ जाए। क्या अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं, अल्फाबेटिकल, ठीक है, एंड नंबर सीरीज, मैंने आपको बार बार बताया डियर, यहां पर बस यही दो पोर्शन है जहां पर आपको कुछ चीजें याद करनी है, फॉरवर्ड फेस वैल्यूज एंड व्हाट आपके अपोजिट लेटर्स। बट इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, और यहां पर स्क्वायर एंड क्यूब इंपॉर्टेंस इसकी देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, एनालॉजी में भी यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज के दिन हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे डियर, कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे। और बताइए कहाँ आता है इसमें, मैट्रिक्स में क्वेश्चन आता है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वैसे माय डियर, तो ये अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, और कहाँ पर आता है, सिमिलैरिटीज, ऑड वन आउट, पजल क्वेश्चन, सिमिलैरिटीज डियर, आपका नियर अबाउट व्हाट, यहाँ पर ऑड वन आउट, नियर अबाउट 30 to 35 नंबर तो आपका सीधा सीधा यहीं पर कवर हो रहा है। एंड रिमेनिंग जो आपके पोर्शंस रहते हैं डियर, दैट इज व्हाट आपका डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, नॉन वर्बल, क्यूब्स एंड डाइसेस, ये सारे के सारे पोर्शन आपको रिमेनिंग 15 मार्क्स कवर करवाते हैं। तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है,
बस मेरे साथ बोलते रहिएगा भैया लॉजिकल रीजनिंग क्या है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए क्वेश्चंस होंगे, यस डियर क्वेश्चंस, ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस। रिवीजन सेशन है तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो भी टाइमर के साथ, ओके। तो ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक एंड व्हाट। इसी के साथ डायरेक्शन टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट एंड नॉन वर्बल का पार्ट एंड ब्लड रिलेशन, ये एडिशनल 15 मार्क्स आपके पास कवर करके देते हैं। तो हमें ओवरऑल हमारा एम क्या होना चाहिए, अवर एम शुड बी 50 out of 50। हमारा एम हम क्या लेके चलेंगे दिमाग में, 50 out of 50। एंड बिलीव मी, जहां आपको एग्जामिनेशन में 50 नंबर के क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए, आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि डेफिनेटली आपके टेक्निकल में भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, ओके। यस नो डियर, 5 आवर्स की क्लास कंटिन्यूस नहीं है, इतना आपको यहाँ पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ओके। टू एंड हाफ आवर्स की कंटिन्यूस क्लास हम 2 सेशन में रखेंगे, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन ज्यादा आज कवर होगा एंड रिमेनिंग पोर्शन आपका कल कवर हो जाएगा, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का भी प्रॉपर टाइम मिले। लास्ट टाइम है, वेरी वेरी हाई टाइम फॉर यू गाइज, इसलिए आप जितना टाइम के यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना टाइम के यूटिलाइजेशन करेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विथ योर फर्स्ट टॉपिक इज वॉट, अल्फाबेटिकल सीरीज, ओके गाइज। तो योर फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन, पूरा की पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। यस यस, सभी टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे कैटेगरी वाइज, हर टॉपिक के सारे कैटेगरी के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। जस्ट गिव मी थम्स अप गाइस, जस्ट गिव मी थम्स अप, हम बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर, यस एब्सोल्युटली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अगेन अ जेंटल रिमाइंडर कि हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस गाइस, हिट द लाइक बटन, मार्क योर अटेंडेंस, बिल्कुल माय डियर लाइव लर्नर्स, और लाइक बटन में कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर। यस यस, मेरी पर्सनल एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि जनरल अवेयरनेस फिर रीजनिंग पर जम करिए, फिर टेक्निकल पर जम करेंगे, ओके। चलिए, तो बिल्कुल सेशन की स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और आपका टाइमर यहां पर चलता हो। दैट इज पहला क्वेश्चन है कौन सा, ऑड वन आउट का, ठीक है। 2018 में ऑड वन आउट के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आपका यहाँ पर टाइमर चल रहा है 45 सेकंड्स का। अल्फाबेटिकल के क्वेश्चन में हमें कोशिश करनी कि 15 सेकंड में ही क्वेश्चन हो जाए, ओके। चलिए एकदम स्पीड से स्टार्ट कर दीजिए डियर, अब यहां से अब तक जो चलेंगे तो पूरा की पूरा मैक्सिमम 35 मार्क्स का पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे हम। यस यस एब्सोल्युटली, कम ऑन, आंसर इज कमिंग आउट टू बी ए आगरा, वेरी गुड, सभी के आंसर आने चाहिए लाइन से। अगर आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट के यहां पर आंसर आने चाहिए। यस absolutely absolutely correct guys, absolutely absolutely correct, that is what your answer is, A Agra। क्या लॉजिक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा लॉजिक है। दैट इज वॉट, आपके पास क्या है यहाँ पर, ऑड वन आउट लेटर चूज करना है। ऑड वन आउट में एक ही बात दोहराइएगा मन में कि तीन ऑप्शन में सिमिलरिटी ढूंढना है, एक ऑप्शन को हमें उसमें से ऑड वन आउट कर देना है। जैसे कि तीन ऑप्शन आपको क्या देख रहे हैं, केपी, जेक्यू एंड जीटी, दीज आर वॉट, दीज थ्री आर योर अपोजिट लेटर्स। भैया अपोजिट लेटर्स में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अपोजिट लेटर्स मतलब कैसे, आपके इंडियन रेलवेज होता है, जीटी रोड होता है, एंड वॉट योर एल ओ वी ई, वी आर वेरी फैमिलियर विद दैट, दैट इज योर लव फॉर लॉजिकल रीजनिंग, एल ओ एंड वी ई। वैसे ही आपका क्या हो गया यहाँ पर, पी के या फिर और जे क्यू आपका यहाँ पर रहेगा, तो वैसे ही आप देख सकते हैं, दैट इज के पी, जे क्यू, जी टी, दीज आर वॉट अपोजिट लेटर, बट ये आपका अपोजिट लेटर नहीं है, यहाँ पर या तो डी डब्ल्यू आना चाहिए था या फिर एफ यू आना चाहिए था। दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट, ए आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। अपोजिट लेटर से महारत हासिल करने के लिए क्या करना है, 13 की 13 पेयर को बस आप लोग देखते रहिएगा, डायरेक्टली याद हो जाते हैं। और एक और खासियत क्या रहती है इनकी, यहाँ पर दो खासियत रहती है डियर। योर फर्स्ट वन इज व्हाट, सम इज इक्वल्स टू 27, सम क्या होता है डियर, 27 होता है। और दूसरी खासियत क्या रहती है, जैसे जी टी को यहाँ पर लेके देखेंगे हम, दूसरी खासियत क्या रहती है, अगर किसी भी वर्ड की बैकवर्ड सीरीज हमें देखनी हो, तो जैसे जी की बैकवर्ड सीरीज देखनी हो या फिर टी की बैकवर्ड सीरीज, मतलब लास्ट से किस नंबर पे आ रहा है, तो जी की बैकवर्ड सीरीज में हम टी की फॉरवर्ड फेस वैल्यू डाल देंगे, दैट इज जी की 20 हो जाएगी और टी की क्या हो जाएगी डियर, 7। ये क्या है इसकी बैकवर्ड सीरीज, अरे अंडरस्टूड ऑर नॉट, अरे यस और नो गाइस, टेल मी यस और नो, ओके। यस, एक दूसरे के अपोजिट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका टाइमर अगेन 45 सेकंड्स का, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है कि उसे 15 सेकंड के अंदर अल्फाबेटिक के क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे, ओके। यस, जस्ट कीप योर कॉन्सेंट्रेशन विथ मी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी से सॉल्व होने वाले हैं। यस यस यस, वेरी गुड गाइज, ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। यस, जस्ट कीप योर कॉन्सेंट्रेशन विथ मी,
एनी आंसर्स? यस यस, सी चेन्नई। देखिए, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली। दिस इज द व्हाट रूल फॉर अवर टुडेज गेम प्ले। यस एब्सोल्युटली नो डियर, नो डियर, बॉम्बे नहीं आएगा, सी चेन्नई आएगा। ओके अंडरस्टूड। यस योर आंसर इज व्हाट, बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल सीरीज को पहचानना है, अल्फाबेटिक को अल्फाबेट नहीं, नंबर से पहचानेंगे। जैसे बी को बोलेंगे डायरेक्टली टू, टू थ्री फोर फाइव, तो मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, एफ फॉर सिक्स। वैसे फोर फाइव सिक्स सेवन और नेक्स्ट क्या आ जाएगा डियर, एट। तो एफ एच आपका आंसर क्या हो गया, सी चेन्नई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीरीज क्या चल रही है, प्लस वन की सीरीज चल रही है। ओके यस एब्सोल्युटली सी चेन्नई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन 45 सेकंड्स तो आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर टाइमर में, बट आपको इसको 15 टू 20 एट मैक्स 20 नहीं तो 15 सेकंड्स में क्लियर करना है क्वेश्चन को। ओके देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन जहां पर भी आ जाए तो ये समझ लेना है आपके लिए एक बेनिफिट आ गया टाइम बचाने के लिए, कि आपको इन क्वेश्चंस में टाइम बचाना है। सर इंक्रीज स्पीड, डेफिनेटली आई विल इंक्रीज स्पीड। आपके आंसर तो आए लाइन से, यस एब्सोल्युटली ए आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज व्हाट ए आगरा, यहां पर आंसर आ रहा है, आंसर क्या होगा, ए आगरा। यस 45 सेकंड के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रैक कर दिया डियर क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट इज द सीरीज, डायरेक्ट फेस वैल्यू पढ़िए, 23 20 17, मतलब क्या चल रहा है, माइनस 3 चल रहा है पहले वाले में, तो 17 में माइनस 3 करूंगा तो डियर क्या आएगा, दैट इज योर 14। सेम चीज यहां पर 20 to 19 19 to 16 16 को कहां जाऊंगा डियर 13 पे, और वैसे क्या 21 18 15 को कहां जाऊंगा एल पे, मतलब तीनों में क्या चल रहा है, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस कि आपका यहां पर डिफरेंट लॉजिक भी चल सकता है। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए यहां पर मिसिंग टर्म बीच में जब भी आएगी, मिसिंग टर्म बीच में जब भी आएगी हमेशा लास्ट वाले से क्रॉस चेक करना है हमेशा, क्योंकि एसएससी ने अगर ऑप्शन से आपके साथ मजाक कर दिया कि दो लॉजिक लग रहे हैं, लास्ट वाले से आपने चेक नहीं किया तो एक्यूरेसी वहां पर आपकी धुंधला जाएगी। ओके यस गाइस एब्सोल्युटली, पल्लव सर इज एब्सोल्युटली, वी नीड मिनिमम 100 स्टूडेंट्स यहां पर चाहिए डियर लाइव, ताकि जितना मजा डियर हम पर एग्जामिनेशन जैसे कंपटीशन फेस करेंगे यहां पर। अरे ब्यूटीफुली डन गाइस, मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक आपको यहां पर मिल सकता है। सी चेन्नई इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए कितने कम टाइम में इस क्वेश्चन को आपने क्रैक कर दिया। ओके आंसर इज व्हाट, सी चेन्नई बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो रहा है, और बिल्कुल गाइस जस्ट वन रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझसे लॉजिक भी शेयर करते रहिएगा कि कहीं आप गलत लॉजिक तो मेरे साथ पिक नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पर लॉजिक क्या चल रहा है, तो आपको लॉजिक कमेंट सेक्शन में क्या बताना है। 19 20 21, तो यहां पर क्या ट्राई करूंगा मैं डियर 22, और 22 से 23 मतलब प्लस 1। नेक्स्ट चेक करिए 2 to what 5 3 to 5 5 to 7 7 to, मतलब क्या जाऊंगा डियर, दैट इज योर 9, तो मतलब प्लस 1 प्लस 2 9 प्लस 2 दैट इज 11। सेम चीज यहां पर क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, दैट इज प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। आंसर इज व्हाट, सी चेन्नई, दैट इज VIJ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस देखिए पूरा, यस पूरा बताइएगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 45 सेकंड, लेकिन क्रैक कितने में करना है, 15 सेकंड के अंदर क्रैक करना है, बिलीव मी, और लास्ट वाले से चेक करना कभी मत भूलिएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन काफी सिंपल ही आने वाले एग्जामिनेशन में, तो क्यों ना यहां पर एक्यूरेसी लाके टाइम बचाया जाए। नॉट ओनली प्लस वन इज द लॉजिक, यस सिर्फ प्लस वन से आंसर दिख रहा है, यस आई नो, लेकिन आपको लॉजिक पूरा ऑब्जर्व करना है, प्लस वन प्लस टू प्लस टू, मैंने बार बार बोला एक्यूरेसी पे काम करना है। अंडरस्टूड, एक्यूरेसी पे काम करने के लिए। एंड यस योर टाइमर इज नाउ कंप्लीटेड गाइस। ओके एनी आंसर्स, योर टाइमर हैज बीन कंप्लीटेड। यस योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी डाइस डी, दिल्ली इज द आंसर। काफी ज्यादा टाइम आपने यहां पर लगा दिया गाइस। ओके कोई इश्यू नहीं है, यस यस 15 सेकंड्स इज वेरी वेल सफिशियंट फॉर दिस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए मैंने बताया डिफरेंट लॉजिक भी वर्क करेगा, दैट इज क्या हो रहा है, ई टू व्हाट 5 to 7, तो आपको यहां तो प्लस 2 मिल गया, फिर 7 to 9 9 to, मतलब मैं क्या जाऊंगा 11 पे जाऊंगा, 11 से 13 बिल्कुल प्लस 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट देखिए नेक्स्ट वाला जो सेकंड टर्म है, जो यहां पर सेकंड टर्म है एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है प्लस 0, देन अगेन व्हाट 6 to 8 8 to 10, तो मतलब 10 से कहां जाऊंगा डियर अगेन व्हाट 12 पे, दैट इज व्हाट प्लस 2, और उसके बाद आप देखोगे अगेन क्या लास्ट में ए रिपीट हो रहा है, दैट इज प्लस 0।
तो आंसर क्या हो जाएगा, के डबल एल ए, यस। तो आंसर क्या, यस, प्लस टू प्लस जीरो प्लस टू प्लस जीरो एज इट इज, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज जी डेली इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अल्फाबेटिकल के क्वेश्चन काफी सिंपल ही आएंगे गाइस, तो उसको उतने ही टाइम के अंदर हमें क्रैक करना है। यस ब्यूटीफुली 15 से 20 सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाइस। यस डी डेली वाज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल स्पीड मेंटेन करनी है भैया, एम मत भूलिएगा आखिरी तक, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का एम रहेगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग में, दैट इज विद इन 35 मिनट्स। एंड आई नो कि मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो 30 मिनट में भी सॉल्व करके आएंगे, तो आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी विद दैट स्पीड। या सी चेन्नई यहां पर आंसर आ रहा है गाइस, सी चेन्नई एंड योर टाइमर हैज बीन हियर और स्टॉप। यस सी चेन्नई इज व्हाट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ब्यूटीफुली डन। सेम चीज, मतलब ये क्या है आपके, देखिए सब में दो लेटर कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं दो लेटर पेयर की सीरीज है और चल क्या रहा है यहां पर, प्लस टू प्लस टू, मैं क्या करूंगा आई, यहां पर 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, दैट इज प्लस टू, और लास्ट में चेक करिए सब जगह क्या चल रहा है, प्लस टू। अल्फाबेटिकल के क्वेश्चन इजी ही आएंगे, स्पीड और एक्यूरेसी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगेन डियर व्हाट, यस एब्सोल्युटली सी चेन्नई वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। बस दो से तीन क्वेश्चन और अल्फाबेटिकल सीरीज के, डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे नंबर सीरीज पे। अवर लॉजिकल रीजनिंग का मेन क्रक्स कहां पर है, नंबर सीरीज में है मेन क्रक्स। यस यस दैट इज व्हाट, एक आंसर यहां पर डी दिल्ली आ रहा है, एनी मोर आंसर्स। यस मिक्स क्वेश्चन कराएंगे नंबर सीरीज पे, आप एक बार जंप तो होने दीजिए अल्फाबेटिकल के, हम कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट ए आगरा, ब्रिलियंटली डन गाइस ए आगरा। क्या लॉजिक क्या है यहां पर, व्हाट इज द लॉजिक, यस बहुत ही बढ़िया, लॉजिक क्या आएगा यहां पर, दैट इज व्हाट, यस ए आगरा बिल्कुल सही आंसर है। 72 हम कहां जा रहे हैं, यहां पर हो रहा है माइनस, यहां पर क्या हो रहा है डियर माइनस, दैट इज व्हाट, 17 टू 14, 14 टू व्हाट 11, सब जगह माइनस 3 चल रहा है। वैसे आप जाएंगे तो क्या आएगा आपका एच, आगे भी चेक करते चलिए, माइनस 3 से आपका क्या आ जाएगा, एच जी एफ विल बी द आंसर, दैट इज माइनस 3 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस, देखिए अल्फाबेटिकल के बस एक और दो क्वेश्चन और अटेंड करके हम डायरेक्टली कहां जंप करेंगे, नंबर सीरीज पे, हमारे लॉजिकल रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज व्हाट नंबर सीरीज। माइनस टू नहीं डियर, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री चल रहा था वहां पर। ओके करेक्ट योर लॉजिक, यस गाइस कम ऑन, बी बॉम्बे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी बॉम्बे, यस स्पीड यही होनी चाहिए। अरे इसमें तो ना आपको पेन उठाना ना कुछ करना है, सब में क्या हो रहा है, प्लस वन, 10, 11, 12, 13, तो क्या जाऊंगा मैं सीधा सीधा 15 पे जाऊंगा, यहां पर 13 के बाद क्या जाऊंगा 14 पे, वैसे आप क्या यहां पर क्या क्या डी के बाद 5 और क्या हो जाएगा ओ दैट इज प्लस वन, और कितने सेकंड में लगा क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 सेकंड। डियर जिसको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल अलग है, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे के सारे आपके क्या है डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यू कैन चेक आउट द लेवल कि किस क्वेश्चन में स्पीड बचानी है, किस क्वेश्चन में स्पीड लगानी है। सर एसएससी जेई में डिप्लोमा डाले या डिग्री, क्योंकि डियर डिप्लोमा अगर आपका है तो डेफिनेटली आप डिप्लोमा से डाल सकते हैं, यस, और चेक आउट द इंफॉर्मेशन ब्रोशर वेरी वेरी केयरफुली। अरे यॉर्कर भी आएंगे डियर, जस्ट वेट, यॉर्कर भी आने वाला है। अरे अल्फाबेटिकल को मैं बस आपको स्पीड से सॉल्व करना सिखा रहा हूं 5-5 सेकंड में, अंडरस्टूड, जस्ट गिव मी द आंसर हियर, जस्ट गिव मी द आंसर, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ए आगरा। अगेन क्या हो रहा है यहां पर भी, क्या अगेन, ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक चल रहा है यहां पर, दैट इज व्हाट प्लस टू, सेम चीज यहां पर देखने को मिल रही है, दैट इज व्हाट प्लस टू, सेम चीज आप आगे भी करोगे तो सेम चीज आपका क्या हो रहा है, जे के जे प्लस टू, अंडरस्टूड, यस। तो अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस के लिए हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना है, स्पीड के लिए प्रिपेयर रहना, अंडरस्टूड, हमें यस जे के जे एब्सोल्युटली स्पीड के लिए हमें यहां पर अल्फाबेटिकल में प्रिपेयर रहना है। बट माय डियर जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो योर नेक्स्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक इज व्हाट, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी के पार्ट आएंगे वहां पर आपको और ज्यादा ट्रिकियर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमें एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के हिसाब से वर्क करना है। ओके सर बेसिक पढ़ाओ, डियर बेसिक सी तो है, फेस वैल्यू पे ही तो काम कर रहे थे यहां पर,
अंडरस्टूड। नंबर सीरीज में आपको क्या याद रखना है, सबसे मेन मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन। योर फर्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट, योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि आपकी सीरीज शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां पर हो रही है, अंडरस्टूड। जैसे फिर मैं उसके हिसाब से सोचूंगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है कि स्क्वायर या क्यूब। और स्क्वायर या क्यूब में आपको क्या चेक करना है, आपको स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर प्लस माइनस एन या फिर स्क्वायर प्लस माइनस वन या फिर आपको डायरेक्टली देखते से समझ में आएगी डियर याली सारी की सारी चीजें। एक और यहाँ पर लॉजिक चलता है, क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस माइनस वॉट एन स्क्वायर, और सेम चीज उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर के। तो जहां आपने ऑब्जर्वेशन को ग्रिप किया वहां पर आपके अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जैसे ऑब्जर्वेशन करोगे उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमें कैलकुलेशन करना है। पहले कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपके पास स्पीड नहीं आएगी। अंडरस्टूड? सो आर यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर द नंबर सीरीज क्वेश्चन? सर स्पीड इंक्रीज डेफिनेटली डियर, दिखा दीजिए आपके पास अभी कितनी स्पीड है यहाँ पर। ये है 45 सेकंड्स के डियर एग्जैक्टली क्वेश्चन। जस्ट ऑब्जर्व द सीरीज कि 7 से शुरू होके 57 तक के जा रही है। ओके, जस्ट 7 से शुरू होके 57 तक के जा रही है, तो मैं वहां पर उस कंडीशन में क्या करूंगा। अंडरस्टूड? 7 से शुरू होके 57 तक के जा रही है, व्हाट विल बी आई डू हियर? ऑब्जर्वेशन मेरी कहती है कि मैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई पर यहां पर ध्यान दूं, मल्टीप्लीकेशन पर यहां पर मैं ध्यान दूं। यस, चलिए, योर होल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन वॉट टुवर्ड्स द बोर्ड, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। यस यस एब्सोल्यूटली 232, यस एब्सोल्यूटली 232। ऑब्जर्वेशन आपके यहां पर क्या कहती है गाइज, योर ऑब्जर्वेशन वॉट्स, यस 230 नहीं गाइज, 232 आपका आंसर किया। क्या ऑब्जर्वेशन, वॉट इज योर ऑब्जर्वेशन कि 7 से शुरू होकर कहां पर जा रहा हूं मैं, 57 तक के जा रहा हूं, 7, 8, 18 and 57। ठीक है, इन क्वेश्चन में भी आपको टाइम बचाना है कि 7, 8, 18, 57, तो 7 और 8 में क्या दिख रहा है, एक तो प्लस 1 भी दिख रहा है, लेकिन मैं एडिशन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे को 57 तक यहाँ पर जाना है। दैट इज वॉट यहाँ पर क्या हो रहा है, इन टू वन प्लस वन, फिर 8 to 18 मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 से 2 ज्यादा है, तो इन टू 2 plus 2। सेम थिंग मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, दैट इज वॉट 54 से 3 ज्यादा है, तो इन टू 3 plus 3, यहां पर क्या करूंगा इन टू 4 plus 4। बहुत ही सिंपल तरीका, इसको ब्रेक करके कर दीजिए, क्या क्या आ जाएगा, 200 और 7 4 28, तो 228 प्लस 4 इज व्हाट, योर 232, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बी बॉम्बे 232 इज द आंसर। अंडरस्टूड गाइस? यस, बी बॉम्बे 232 विल बी योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, जस्ट ऑब्जर्व द सीरीज कि मेरे को करना क्या है, यहां पर इनटू करूं कि प्लस करूं, माइनस करूं कि क्यूब एंड पावर देखूं, इसी पे आपकी पूरी की पूरी स्पीड डिपेंड करने वाली है। इनटू 4 plus 4 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है गाइस। यस, जस्ट व्हाट, क्विक ऑब्जर्वेशन दिखाइए यहां पर, जितनी भी स्पीड दिखा सकते हैं आप कैलकुलेशन एंड व्हाट ऑब्जर्वेशन में। अरे वेयर आर द आंसर गाइस, वेयर आर द आंसर्स? यस, एंड योर टाइमर इज गोइंग टू अप, दैट इज 45 सेकंड आपके यहां पर अब खत्म होते हुए। यस, दैट इज व्हाट आंसर क्या आया यहां पर, ए आगरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है गाइस। बाकी सभी के आंसर्स कहां हैं डियर, यस सभी लोग आंसर दीजिए यहां पर, ए आगरा, यस एब्सोल्युटली। क्या हो रहा है यहां पर, बी बॉम्बे नहीं आएगा भैया, ए आगरा आएगा। ओके, दैट इज व्हाट 46। यहां पर सीरीज क्या चल रही है आपकी, 8, 13, 21 and what 32। That means observation मेरी कहती है कि multiplication से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मुझे difference देखना पड़ेगा। तो that is what 8 plus 5 13, 13 से मुझे कहाँ पर जाना है, 21 पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, plus 5 के बाद plus 8, उसके बाद क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, that is plus 11, मतलब next term मेरी क्या आएगी dear यहाँ पर। तो next term check करने के लिए क्या करूँगा, again आप यहाँ पर भी नीचे जा सकते हैं, 5 plus 3 18, 8 plus 3 11, 11 plus 3 यहाँ पर क्या करूँगा plus 14, और 14 ऐड करने से क्या आएगा 46, that is what, yes, your A Agra is absolutely correct, understood or not? Yes or no? Into 1 plus 1, into 2 plus 2, नहीं dear यहाँ पर वो वाला logic नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं triangulated series। Triangulated series मतलब आपको यहाँ पर series किस form में दिख रही है dear, that is triangle का formation हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी आपको कोई भी लॉजिक एग्जामिनेशन में नहीं बनेगा,
गो फॉर द ट्रायंगुलेटेड सीरीज, मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है, फिर उस डिफरेंस के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, हो सकता है यहां पर एक और टीयर आ पाए, तो हमें सारे के सारे लॉजिक पे अच्छे से ध्यान देना है। अरे यस और नो गाइस, अंडरस्टूड? यस, वेरी वेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द नंबर सीरीज। आपको यहां पर नंबर सीरीज का जो आपको बेस्ट आभास होने वाला है, यहां से समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन है और लॉजिक में को मैं आपको चार से पांच लॉजिक बताऊंगा। यहां पर एक क्वेश्चन है और लॉजिक आपको यहां से चार से पांच लॉजिक बताऊंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पीड गेन करने के लिए। यस, कि ऑब्जर्वेशन आपको स्पीड गेन करने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहां पर देखनी है। यस सर, एब्सोल्यूटली भैया, रीजनिंग 50 मार्क्स का है और उसको उसी इंपॉर्टेंस के साथ उड़ाएंगे हम लोग यहां पर। चलिए, वेयर आर द आंसर? 45 सेकंड्स में नहीं आया आंसर इस बार। सी, चेन्नई आंसर आता है। एब्सोल्यूटली 1³-1, बहुत ही बढ़िया डियर, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। यस यस, सी चेन्नई यहां पर बहुत ही सही आंसर है। दैट इज व्हाट, सी चेन्नई 336। एक बार मेरे साथ ध्यान से देखिएगा हर एक स्टूडेंट, पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेशन से यहां पर। ओके, योर फुल कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द बोर्ड। 06, 24, 60 and what 120 and what 210। देखिए आप यहां पर क्या करोगे, जब आपको कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आए कि क्या चल रहा है, जस्ट गो फॉर द व्हाट डिफरेंस। अगर मैं यहां पर डिफरेंस पे गया, दैट इज व्हाट, यहां पर प्लस 6 आ रहा है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 6 से 24 पे जाऊंगा, दैट इज प्लस 18। फिर क्या मिला मेरे को, प्लस 36। यहां पर मुझे कितना मिल रहा, 40 और 20, दैट इज व्हाट, प्लस 60। तो मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पर एक और डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, प्लस 60 और प्लस 90। ठीक है, अगर आप डिफरेंस से जाना चाह रहे हो तो डिफरेंस से अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो बहुत ही बढ़िया डियर, दैट इज 6 से 18। 6 to 18 में कैसे जा रहा हूं, दैट इज माय डियर व्हाट, 6 to 18 अगर मेरे को जाना है तो प्लस 12, प्लस 18, प्लस 24, प्लस 12, और यहां पर अगर मैं जाऊंगा 18 to 18, प्लस 18 एंड व्हाट, प्लस 24, और यहां पर प्लस 30। और अगर नीचे जाऊंगा तो आपकी सीरीज कौन सी चल रही है, प्लस 6, प्लस 6, प्लस 6। अंडरस्टूड? मतलब क्या करूंगा, यहां पर मैं प्लस 6 के साथ प्लस 36 करूंगा, प्लस 36 मतलब 90 प्लस 36 प्लस 126, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 336। दैट इज व्हाट, एब्सोल्युटली आंसर सी चेन्नई। बट क्या ये लॉजिक मैं एग्जामिनेशन में लगा के आऊंगा क्या, जस्ट टेल मी, ये लॉजिक मुझे एग्जामिनेशन में लगा के आना है क्या? नहीं लगा के आना है। देर इतना बड़ा लॉजिक लगाओगे तो आंसर कब सॉल्व करोगे? यहां पर आपको एक और ऑब्जर्वेशन आती है, एक और ऑब्जर्वेशन आपको पास क्या आ रही है डियर, बहुत ही सिंपल, दैट इज व्हाट, इफ यू लुक ऑन दिस, इफ यू आप यहां पर देखोगे क्या, दैट इज 6, 18, ये सभी क्या चल रहे हैं, 6 के टेबल की बात चल रही है। 6 के टेबल मतलब कैसा, ये है 6 into 1, ये है 6 into 3, ये क्या है 6 into 6, 6 into 10, तो ये क्या हो गया 6 into 15। मतलब क्या चल रहा है यहां पर, 1 से 3 plus 2, 3 plus what 3, that is plus 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, तो 5 में क्या ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा, मतलब यहां पर क्या आएगा, 6 into 21 का एडिशन। एक लॉजिक आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक लॉजिक यहां से भी ऑब्जर्व कर देते हैं। एंड द बेस्ट पॉसिबल लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, बेस्ट पॉसिबल लो, यस इट्स वेरी लेंथी, बिल्कुल नहीं करेंगे, बेस्ट पॉसिबल लॉजिक अगर यहां पर बात करूं, देखिए जब भी आपके पास जीरो आएगा तो जीरो एक आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हिंट है दियर, क्या देखने के लिए, कि हो सकता है 1² - 1 हो सकता है 1³ - 1 हो सकता है 1³ - 1 का स्क्वायर हो, सभी कंडीशन में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। चलिए जैसे इसको देखेंगे, ये कौन से क्यूब या स्क्वायर के पास है, 8 के पास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 8 - 1, दैट इज 2³ - 1। इसको देखिए यहां पर 27 के पास है, 27 माइनस क्या हो रहा है डियर, 8 - 2, ठीक है, 27 - 3, दैट इज व्हाट, 3 - 3 - दैट इज 3। सेम चीज यहां पर चेक करते चलिए, 4³ दैट इज 64 - 4, आपने जैसे ही यहां पर देखा 5³ दैट इज 5³ - 5, ये क्या हो गया डियर, दैट इज 6³, 216 - 6, ये क्या हो गया 343, 7³ - 7, आपका आंसर 336। कितनी देर में, कितनी देर में डियर, 15 to 20 सेकंड में आपका आंसर यहां से आ रहा है। अंडरस्टूड और नॉट, 15 टू 20 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। यस एब्सोल्युटली गाइस, वी हैव क्रॉस व्हाट 100 लाइव रनर्स मार्क, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अरे ये बात यहां पर समझ में आई कि नहीं, मतलब ये क्या चल रहा है यहां पर, 1³ - 1,
द सीरीज इज नथिंग बट वॉट एन क्यूब माइनस एन, और डियर ये होती है शॉर्ट ट्रिक। जैसे आप लोग बोलते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, डियर योर ऑब्जर्वेशन इज द शॉर्ट ट्रिक हियर। अरे यस और नो गाइज, आंसर मी इन कमेंट सेक्शन, यस और नो। एंड गाइज पूरे सेशन में डियर हिट योर लाइक, हिट द लाइक बटन, मार्क योर अटेंडेंस गाइज, यस यस यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि सीरीज का ऑब्जर्वेशन डियर, आपका किसी भी सीरीज का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मैं जीरो से क्या डियर यहां तक के जा रहा हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये अलग टर्म आने चाहिए। और बिलीव मी ये जो आपके दो टर्म है, देखिए दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये जो आपके टर्म है ना 60 एंड 120, ये सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्यूब में। दैट इज ए 64 और 125 के पास में, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्यूब्स में। यस सर यस सर। तो भैया नंबर सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, देखिए चार लॉजिक बता दिए आपको, इन लॉजिक में नहीं जाना है। आपके दिमाग में पहला लॉजिक जो आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए कि एन का क्यूब माइनस एन आ रहा है। यस डेफिनेटली, मैं वही बता रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, जीरो को पहचानिए, 60 को पहचानिए, 120 को पहचानिए, आपका आंसर आपके सामने। चलिए तो बिल्कुल सारे के सारे लॉजिक इसी तरीके से लगाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जस्ट व्हाट अमेज मी वाज कि आप इतने सेकंड में वाले क्वेश्चन करके बताइए, बहुत मजा आने वाला है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 83, 167, 335। ऑब्जर्वेशन क्या कहेगा, इतने छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं मैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहेगा, इतने छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं तो मेरे को क्या करना चाहिए। जस्ट आंसर मी गाइज, यस ब्यूटिफुली यार, जोश जोश मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल, और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे साथ। ये 5 घंटे मेरे को दे दीजिए डियर, आज और कल के आपका लॉजिकल रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का पोर्शन पूरा के पूरा रिवाइज करवा दूंगा यहां पर। यस आंसर इज कमिंग आउट, ये होती है स्पीड, एब्सोल्यूटली दिस स्पीड आई वांटेड इन यू, ये स्पीड मुझे चाहिए। देखिए जो भी मेरे कंसिस्टेंट यहां पर स्टूडेंट है सभी के आंसर सेकंड्स में आ रहे हैं। यस एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली फाइन गाइस, एब्सोल्यूटली फाइन। मतलब मैं क्या करूंगा, 41 से 671 माई ऑब्जर्वेशन से कि भैया कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन यहां पर चल रहा है, प्लस करते बैठूंगा तो 670 तक के नहीं जा पाऊंगा। प्लस करूं तो डायरेक्ट यहां पर प्लस तो नहीं होगा, इंटू करके देखते हैं। इंटू अगर मैं गया तो 41 into 2 82 इसके आसपास कितना है, प्लस 1 के आसपास है, मतलब इंटू 2 प्लस 1। सेम चीज यहां पर चेक करिए, 83 से आप कहां जाओगे 166 इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट चेक करिए 167 से यहां पर भी क्या, इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट चेक करिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कैसे ब्रेक करके करेगा, 300 का डबल 600, 35 का डबल 70, मतलब क्या 670 इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट अगर मेरे को यहां पर चेक करना है उसमें भी क्या करूंगा डियर, इंटू 2 प्लस 1 करूंगा। व्हाट 667 में इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 600 का डबल 1200, 70 का डबल 140, मतलब व्हाट 1340, और प्लस 1 यहां पर करूंगा, दैट इज 1343, और आंसर इज नथिंग बट व्हाट, यस बी बॉम्बे, दैट इज बी बॉम्बे इज योर आंसर। अरे यस और नो, अरे यस लेट्स क्रैक इट, एब्सोल्युटली। कितनी देर में करोगे डियर, 20 सेकंड्स, और ये जो मैं आपको ब्रेक करके करना सिखा रहा हूँ ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा डियर, बिलीव मी। आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी है, नॉट ओनली ऑन द रीजनिंग, आपके टेक्निकल पोर्शन में भी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी है। ब्रेक करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, अब हम बच्चे नहीं रहे जो ऊपर नीचे करके यहाँ पर इंटू और प्लस करते रहेंगे, ब्रेक करके करिए, सारे के सारे आंसर आपके पास आएंगे। यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए नंबर बहुत बड़े हैं लेकिन 45 क्वेश्चन का टाइमर है तो 45 सेकंड में ही करके आना है। ओके यस, और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए आंसर में, क्योंकि यहीं से आप सिर्फ देख के यहां पर समझ के नहीं जाना है, क्वेश्चन में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक के वो ऑब्जर्वेशन आपके अंदर नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि जो मेंटली जो आपको थिंकिंग में यहां पर पहुंचा रहा हूं वो आप तक के पहुंचे और आप सब भी उस पर वर्क कर सके। ओके योर 45 सेकंड टाइमर हैज बीन, थोड़ा सा और टाइमर यहां पर हम आगे ले जा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी चेन्नई एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली फाइन गाइस, सी चेन्नई एब्सोल्यूटली, दैट इज 3912। ओके लेट्स स्टॉप द टाइमर, और आंसर क्या आ रहा है यहां पर, सी चेन्नई आंसर आ रहा है। यस नाइस ट्रिक, डेफिनेटली द ट्रिक इज वेरी वेरी ऑसम गाइस, द ट्रिक इज वेरी वेरी ऑसम। क्या बोल रहा है भैया लॉजिक यहां पर, That is, कहां से शुरू कर रहा हूं, 2112 से शुरू कर रहा हूं और 4912 से। अगर आपने यहां पर एक में भी इंटू टू किया ना,
सिर्फ एक में भी इंटू टू किया, सीधा कहां पर जाओगे 4000 पे जाओगे, फिर इंटू करोगे तो 8000 पे जाओगे। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन यहां पर मैं नहीं कर सकता, डिविजन तो हो ही नहीं रहा है। तो सिंपल सिंपल सी बात, स्क्वायर क्यूब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इतने बड़े आप यहां पर याद रखें। तो आपको क्या करना है, सहली चीज डिफरेंस में जाना है। सबसे पहला अटेम्प्ट यहां पर आपका क्या रहेगा, दैट इज यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंस। आप जैसे ही यहां पर डिफरेंस में जाओगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है यहां पर, यस आंसर मी व्हाट इज द डिफरेंस गाइस। अगर मेरे को 2112 से कहां जा रहा है 2328, मतलब 312 यहां पर देखिए 312 में क्या ऐड करूंगा मैं जो कि 28 तक पहुंच जाऊं। अंडरस्टूड, यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, यस इसका कुछ अच्छा ट्रिक बताइए सर। डियर मैं बता तो रहा हूं, जस्ट गो फॉर द डिफरेंस। आपने मल्टीप्लाई चेक किया नहीं बना, डिवाइड चेक किया नहीं बना, अंडरस्टूड। तो आप कहां जाओगे, सीधा की सीधा कहां पर जाओगे, चलिए आंसर योर लॉजिक विथ मी। डियर लॉजिक शेयर करते रहिए तभी मजा आएगा, लॉजिक शेयर करते रहिए तभी मजा आएगा। यस एब्सोल्युटली 9 क्यूब, बहुत ही बढ़िया लॉजिक आया वहां पर। 6 क्यूब का डिफरेंस है, दैट इज 216 का डिफरेंस है। आप आगे चलोगे तो कितने का डिफरेंस पड़ रहा है यहां पर, 343, दैट इज 7 का क्यूब। आगे यहां पर देखोगे, आगे आपका क्या चल रहा है डियर, यहां पर 8 का क्यूब का डिफरेंस चल रहा है। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है आपका, 8 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, मतलब 9 का क्यूब, मतलब 729 में यहां पर क्या करूंगा डियर, ऐड करूंगा। यहां पर 729 ऐड करने पर कहां जाऊंगा, 183 में 729 यहां पर ऐड करिए, दैट इज व्हाट 100 और 700 क्या हो गया 880, भी 100 मतलब 900। वैसे ही आप यहां पर इसको भी ऐड करोगे तो 3912 क्या, आंसर सी चेन्नई। और एक और चेक कर लीजिए यहां पर कि 3912 में नेक्स्ट क्या ऐड करूंगा, 10 का क्यूब, और जिसका क्यूब क्या है बहुत ही डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, दैट इज व्हाट 1000। अरे 3912 में 1000 ऐड करिए, 4912 आ रहा है। कैसे करेंगे डियर, ब्रेक कर करके करेंगे, ठीक है। 3183 में क्या क्या ऐड करना है, 729। ब्रेक कैसे करेंगे डियर, 3000 में 100 और यहाँ पर 700, 3800, फिर उसके बाद 80 और 20 क्या हो गया, एक और 100 तो 900, और 900 में क्या हो गया 12, 3912। अंडरस्टूड, यस और नो गाइज, अरे यस और नो एकदम। गाइज मार्क योर अटेंडेंस एंड हिट द लाइक बटन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, दीज आर मोस्टली व्हाट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अंडरस्टूड, यस वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बड़े कैलकुलेशन से आप अगर डरना मना है, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। अगर लॉजिकल रीजनिंग में हमारी पहली क्लास से याद हो आपको, मैंने बताया था कि मैं आपको फियरलेस बना दूंगा नॉन टेक्निकल पोर्शन से। अगर 100 में से 50 मार्क्स में आप इतने श्योर हो जाओगे तो मैं मुझे बताइए कहाँ से डर बचा नॉन टेक्निकल का। यस यस यस, बहुत ही बढ़िया गाइज, ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर द स्पीड। लोग समझते हैं कि ट्रिक होती है, नहीं, ट्रिक तो तब लगाओगे जब आप चीजों को समझ पाओगे कि लगानी कौन सी ट्रिक है। अंडरस्टूड, यस जितने बड़े लॉजिक उतना इजी होता है। चलिए यहां पर आंसर, 45 seconds have been completed, यस, और आंसर क्या होगा यहां पर, दैट इज बी बॉम्बे इज द आंसर, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बी बॉम्बे आपका यहां पर क्या होगा आंसर होगा गाइज। रीजनिंग में सब टॉपिक कवर तो आएंगे सर 5 आवर में, यस डेफिनेटली डियर 5 आवर में आपके मैक्सिमम टॉपिक और उसकी भी वैरायटी। देखिए कैटेगरी कितनी ज्यादा आ रही है, 157.5, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए 42 से कहां जा रहा हूं मैं, 63 तक के जा रहा हूं, ठीक है। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, माइनस, यहां पर माइनस, फिर यहां पर क्या हो रहा है, प्लस 0 हो रहा है, फिर यहां पर प्लस हो रहा है, कुछ लॉजिक यहां पर समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालिए कि क्या हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी तो चल रहा होगा। क्या मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 42 से मेरे को कहाँ जाना है, 21। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसे ध्यान से देखिएगा, एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आएगी वाली बात आपके लिए, ठीक है। दैट इज व्हाट गाइस, अगर मेरे को 42 से 21 का लॉजिक देखना है, एक लॉजिक तो यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे क्या कि डिवाइडेड बाय 2 हो रहा होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ इंटू 5 इंटू 0.5 हो रहा होगा। यहां पर अगर देखूंगा That is what, यहां पर क्या हो रहा है, इंटू 1। यहां पर अगर जाऊंगा तो देखिए ये लॉजिक जो आपको एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है 21 में क्या करो, प्लस 21 और प्लस उसी के साथ 21 का हाफ, दैट इज वॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10.5। अंडरस्टूड, ये एनालॉजी में बहुत ज्यादा काम आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटू 1 और इंटू 0.5, दैट इज इंटू 1.5, मतलब आपका लॉजिक क्या चल रहा है, 0.5, 1, 1.5, मतलब यहाँ पर क्या इंटू 2, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब क्या करूंगा यहाँ पर इंटू 2.5, तो क्या अगेन वही लॉजिक, 120 और क्या 126 और उसका आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 31.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 157.5, दैट इज
बॉम्बे इज द आंसर. आंसर इज व्हाट? बी बॉम्बे. अरे यस और नो गाइस, यस इन टू फाइव. ऑब्जर्वेशन दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली चीज ये डिवाइडेड बाय टू है ये सोचना, और दूसरी चीज ये जब भी 0.5 का लॉजिक आएगा एनोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आएगा यार कॉन्सेप्ट आपके लिए. ओके एनोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन व्हाट? ये क्वेश्चन 45 सेकंड के अंदर ही क्रैक होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट 45 सेकंड के अंदर क्रैक होना चाहिए क्वेश्चन. यस बी बॉम्बे आंसर था उसका. एब्सोल्यूटली बी बॉम्बे वॉज द आंसर. यस गाइस, अरे शो द जोश और बिल्कुल भिड़ जाइए एकदम टाइमर के साथ क्वेश्चंस के पीछे. फिफ्टीन सेकेंड्स में आंसर्स आ रहे हैं यहां पर, 15 सेकेंड्स में. ओके जी, यस यस यस. हर एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं यहां पर, यार सभी के आंसर आने चाहिए. सिर्फ देख के नहीं जाना है कि क्या चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग में, खुद जब तक कि आप उसमें घुसोगे नहीं क्वेश्चन में तब तक के डियर यहां पर नहीं आने वाला क्वेश्चन सॉल्व. यस ए आगरा 121 एंड 363 अगेन व्हाट? योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए टाइमर को यहां पर हटाते हैं. डियर सफिशिएंट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज व्हाट? 3, 4, 12, 13, 39, 40, 122. देखिए जब 3 से आप 120 देख रहे हैं तो यहां तो आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बट 3 से 4 देख रहे तो यहां तो क्या हो रहा है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 भी हो सकता है, इंटू 1 प्लस 1 भी हो सकता है, बट आप यहां पर देखोगे यहां क्या हो रहा है, इंटू 3, देन अगेन वॉट प्लस 1, देन अगेन वॉट इंटू 3, फिर क्या हो गया प्लस 1, यहां पर क्या हो गया इंटू 3, तो मैं क्या करूंगा प्लस 1 उसी प्लस 1 के साथ इंटू 3, इंटू 3 यहां पर होगा, दैट इज प्लस 1, दैट इज 121, और इंटू 3 यहां पर करूंगा दैट इज 363. आंसर क्या हो जाएगा? ए आगरा इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. इंटू 1, देखिए 3 से अगर आप 4 पे जा रहे हैं आपने दोनों लॉजिक सोचा, इंटू 1 प्लस 1 या फिर प्लस 1, दोनों लॉजिक सही है, लेकिन आपके दिमाग में पहला ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ट्राई करूंगा, 3 से 120 तक के मुझे जाना है. अरे यस सर नो, यस हेलो डियर, ओके आफ्टर ईयर आई एम डूइंग, स्पीड इज ऑसम. एब्सोल्यूटली स्पीड डेफिनेटली ऐसी ही रहनी चाहिए. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वॉट? बड़े बड़े नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर. यस चलिए गाइस फाइंड आउट द आंसर. Yes, come on, any answers, guys? Bombay, Bombay, Bombay. Yes, let's check out the answer. What is the answer, guys? Dear, यहां पर आंसर में नहीं फिसलना है. क्या आएगा आंसर? Yes, Delhi and Bombay दो answers आ रहे हैं यहां पर. Okay, Delhi and Bombay दो answer. पूरा की पूरा concentration अब आपका यहां पर board पे. Question is very, very important. कुछ खास लॉजिक नहीं है, बस एसएससी जूनियर इंजीनियर ने चाहा कि आपका आपको यहां पर आंसर गलत हो जाए तो आप ये लोग यहां पर फिसल चुके हो. ठीक है, दैट इज व्हाट? यहां पर 1193 यहां पर चेक करेंगे आंसर क्या आ रहा है. मे बी 857 से यहां पर शुरू है सीरीज. ठीक है, 857 यहां से सीरीज शुरू है. 857 969 745 1193 व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस? दैट इज, चलिए लॉजिक में चलेंगे तो 857 से आपको कहां जाना है, मतलब मैं जाऊंगा 957 से, 957 से मैं कहां जाऊंगा प्लस और 12 करूंगा, मतलब यहां पर क्या चल रहा है प्लस 112. अंडरस्टूड? बट यहां पर क्या हो रहा है, इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, माइनस 224 हो रहा है. नेक्स्ट चेक करिए 745 से क्या अगेन प्लस पे जा रहा हूं, पर यहां पर क्या हो रहा है डियर, प्लस 448. मतलब कुछ समझ में आया यहां पर क्या चल रहा है? एब्सोल्युटली व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इनटू क्या चल रहा है, इनटू 2, बट साइन आपका चेंज हो रहा है, तो बट इनटू क्या हो रहा है, इनटू माइनस 2. अंडरस्टूड? यहां पर भी मैंने क्या किया, इनटू माइनस 2 किया, तो ट्वाइस तो हो रहा है. सेम चीज यहां पर क्या करूंगा डियर, दैट इज इनटू यहां पर क्या करूंगा, माइनस 2 करूंगा, इनटू माइनस 2 यहां पर करूंगा, तो क्या होगा 996 तो आएगा,
996 कैसा आएगा डियर? नेगेटिव में आएगा। तो अब यहां पर आंसर करिए, व्हाट इज द आंसर? यस और नो? 1193 में 996, अब यहां से माइनस करिए 896, सॉरी 896 यहां से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 896 यहां से माइनस करिए, व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर विल बी व्हाट? नथिंग बट डी दिल्ली, दैट इज 297 आंसर। और मैं बताऊं क्या किया आपने यहां तक के, तो समझ लिया डबल डबल हो रहा है। लोगों ने क्या किया यहां पर, प्लस 896 कर बैठे, प्लस 896 करके देखिए आंसर आपका वहां पर इंतजार कर रहा है। 896 एक बार करके तो देखिए, यस मल्टीपल विथ अपोजिट्स एंड एब्सोल्यूटली, यस और नो? आपने जैसे ही किया प्लस 896 आंसर आया 2089 और ए आगरा आपका यहां पर घात लगा के बैठा है डियर कि आप यहां पर आए और गलत करके आगे बढ़ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हो आप एसएससी ऑप्शंस में कितना बढ़िया खेलेगा, बट ए आगरा यहां पर आंसर नहीं होगा। कैसा प्लस माइनस यहां पर अल्टरनेट चलेंगे। अरे यस और नो गाइस, जस्ट आंसर मी, ऐसी गलती आप लोग तो नहीं करके आने वाले वहां पर, यस और नो? यस Didn't show 857, didn't show 857। अगर मान लीजिए आपने 857 नहीं भी देखा होता तो ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस प्लस चल रहा है यहाँ पर, ओके? तो भैया ऐसी गलती वहां पर नहीं करके आनी है। मैं जितना आपकी एक्यूरेसी पे वर्क करता हूँ डियर, आपको भी एग्जाम में वैसा ही आउटपुट दिखाना है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दीज आर वॉट आपके नंबर सीरीज के काफी बेसिक क्वेश्चन थे डियर, दीज आर वॉट योर नंबर सीरीज, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कहां जंप करने वाले हैं थोड़े से, यस 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 सर नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया डियर? बहुत ही सिंपल तो लॉजिक था, 857 से हमें बस प्लस माइनस देखना है और प्लस माइनस में एक वैल्यू चल रही प्लस 112, एक माइनस 224, एक प्लस 448, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस में, दैट इज 896। 896 प्लस माइनस अपो अल्टरनेट में चल रहा है और हर वैल्यू डबल होते जा रही है, हर वैल्यू डबल होते जा रही है, तो ये वाला आपका आंसर यहां पर गलत था, योर आंसर इज 297। ओके वेरी वेरी सिंपल, यस सर। अरे एब्सोल्युटली ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। चलिए तो अब नाउ यू विल बी कंफ्यूजिंग की अगर यहां पर बात हुई है डियर, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन टॉपिक जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, दैट इज व्हाट, कोडिंग डीकोडिंग। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक जो आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है वो है आपका कोडिंग डीकोडिंग। देखिए नंबर और अल्फाबेटिकल अभी हम एनालॉजी में भी प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टूड? सो आर यू गाइस विथ मी ऑन और नॉट कोडिंग डिकोडिंग पे? कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिर्फ दो तीन चीजों पे ध्यान रखना है। अगर अल्फाबेट टू अल्फाबेट अगर जा रहा है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट अगर जा रहा है, तो मतलब दो चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। एक तो आपकी क्या चल रही होगी, कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा होगा, दैट इज प्लस वन प्लस टू या फिर अपोजिट पेयर, या फिर आपकी चल रही होगी पेयरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग, कि सेम फेस वैल्यू या फिर पेयरिंग प्लस लॉजिक यहां पर रिपीट हो रहा होगा, अंडरस्टूड? और वहीं यहां पे एक पैटर्न क्या आता है, अल्फा टू न्यूमेरिक, अल्फा टू न्यूमेरिक के भी हम यहां पर चार से पांच पैटर्न देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पांच से डियर व्हाट, पांच क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के, प्लस प्लस एनालॉजी के भी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आपके यहां पर दो से तीन आ जाते हैं कई बार, अंडरस्टूड? तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम सभी लोग, यस यस यस। अरे कंटिन्यू नहीं लेंगे डियर, बट आपके दोनों के दोनों सेशन यहाँ पर 5 hours के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज योर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन कोडिंग डिकोडिंग टाइमर, अगेन 45 seconds द एक्यूरेट टाइमर फॉर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग। टोमेटो इज रिटन एज 023402, ओरियोनल इज रिटन एज 275269, तो भैया नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा टू न्यूमेरिक कोडिंग, मतलब अल्फाबेट से कहां जा रहे हैं, नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है? ट्राई टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन। अरे 45 से नीचे तो कोई स्टूडेंट जाएगा ही नहीं, 50 में से 50 लाने हैं बोलिए यहां पर, यस 2.5 hours चलेगी, 50 में से 50 लाने। चलिए वेयर आर दी आंसर्स गाइज, टाइमर आपका यहां पर बढ़ता जा रहा है, वेयर आर दी आंसर्स? सी चेन्नई यहां पर एक आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, यस दैट इज, चेक करते हैं यहां पर आंसर इज व्हाट, सी चेन्नई, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली डन। जो भी कंफ्यूजन है यहां पर डाल दीजिए पूरा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, यस एब्सोल्युटली हर एक स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, दैट इज योर होल कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द बोर्ड। देखिए जब भी कोई भी अल्फाबेट जितने नंबर के अल्फाबेट है अगर उतने ही यहां पर नंबर में लिखा रहेगा तो हमें क्या समझना है, दो चीजें समझनी है, या तो हो सकता है कि डायरेक्ट पेयरिंग चल रही है कि उसकी फेस वैल्यू लिखी हो सकती है यूनिट डिजिट की सम,
या फिर उन्होंने हमें बस बोल दिया है कि आपको टी को जीरो लिखना है, यानी लिखना उसमें कोई भी नियम कानून नहीं, ओ को आपको टू लिखना ही है, एम को थ्री लिखना ही है। ये कैसे समझोगे सेकंड्स में? अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई है, अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई वो पूरी की पूरी क्वेश्चन में समाई है, जैसे हमें क्या चाहिए एन, तो एन है यहाँ पर, एन है यहाँ पर, ओ चाहिए तो ओ हमारे पास अवेलेबल है, आर चाहिए आर अवेलेबल है, एम हमारे पास अवेलेबल है, ए हमारे पास एल अवेलेबल है, मतलब हर चीज़ पहले से दी गई है। और जो चीज़ यहाँ पर दी गई है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट कोडिंग, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सिंपल है, जितने अल्फाबेट उतने ही यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, और डियर जो हमसे पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, तो मतलब आप ढूंढ ढूंढ के लिख दीजिए यहाँ पर एन क्या हुआ, यहाँ पर एन इज वॉट योर दैट इज सिक्स, ओ क्या हो जाएगा, ओ यहाँ से चेक करिए दैट इज ओ इज वॉट टू, तो ओ क्या हो गया टू। वैसे आप चेक करेंगे आई क्या हो जाएगा, आई कहाँ पर, यहाँ पर है, और ये नल आई क्या हो गया डियर सेवन, यहाँ पर दैट इज वॉट सिक्स टू। वन सेकेंड, हमें क्या ढूंढना है, आर ढूंढना है, नेक्स्ट वन इज आर, दैट इज आर क्या हो गया यहाँ पर सेवन, दैट इज सिक्स टू सेवन। वैसे आप चेक करोगे दैट इज एम इज थ्री, ए इज वॉट फोर एंड एल इज नाइन, सिक्स टू सेवन थ्री फोर नाइन, आंसर इज वॉट सी चेन्नई। अरे क्लियर और नॉट? यस, डायरेक्ट है एब्सोल्यूटली। तो कितने सेकंड्स में उड़ाओगे वाले क्वेश्चंस? 30 सेकंड से ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग में नहीं लगने चाहिए। समझ लीजिए सिंपल, दो कैटेगरी आती है, जितने अल्फाबेट है उतने नंबर की। या तो हो सकता है कि जैसे टी लिखा हुआ है, एक कैटेगरी क्या हो सकती है कि जैसे टी लिखा हुआ है डियर, तो टी को हम एक और कैटेगरी से अगर यहाँ पर लिखा है क्या टू, अगर टी को लिखा है टू तो मैं क्या समझूंगा, टी की फेस वैल्यू है 20 और यहाँ पर क्या क्या है टू प्लस जीरो। अंडरस्टूड? तो जब भी ऐसे जितने अल्फाबेट है उतने ही नंबर चलेंगे, आपकी कोडिंग या तो डायरेक्ट चलेगी या फिर सम ऑफ द फेस वैल्यू की। ठीक है, यस। अरे भैया ठीक है, आपके नहीं आएंगे डियर डेफिनेटली, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से यहां पर करोगे तो किसके नहीं आएंगे जस्ट टेल मी। अंडरस्टूड? नॉट क्लियर सर? ठीक है चलिए, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आते चलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको चीजें सारी समझ में आएगी। यस और नो? इतना आक्रोश जनता में, यस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक और बार, यस एब्सोल्युटली रंजन कुमार जी, एब्सोल्युटली 59 आउट ऑफ 59 हमारा मेन कोर टारगेट तो 59 का है। यस, ए आगरा, ए आगरा। देखिए जिसको भी यहां पर समझ में नहीं आया अब यहां से समझ लीजिए, अभी समझ में आया कि नहीं आया भैया जो भी यहां पर गुस्सा करते। यस, नाउ व्हाट आंसर इज ए आगरा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। यस डेफिनेटली ए आगरा, क्या बोलो डायरेक्ट कोडिंग बोलो, दैट इज स्पैरो कैसा लिखा हुआ है यहां पर, स्पैरो लिखा हुआ है 1326654, रिंग इज रिटन है 6978। देखिए रेंज पूछा है, मतलब आर ए आई, आर आई और ए तो यहां पर है, एन भी यहां पर है, एस भी यहां पर है। सिंपल बस इसको लिख दीजिए यहां पर, आर कैसे लिखा हुआ है सिक्स की तरह लिखा हुआ है, तो आर को लिख दिया सिक्स। ए कैसा लिखा हुआ डियर, ए मतलब स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, ए इज रिटन एज व्हाट डियर, दैट इज टू। आई कैसा लिखा हुआ डियर, आई दैट इज नाइन। उसके बाद एन, एन कैसा लिखा हुआ डियर, एन दैट इज व्हाट योर सेवन। उसके बाद एस कैसा लिखा हुआ, ये एस मतलब पहली टर्म, दैट इज व्हाट वन, 6297 ए आगरा। ऐसा कोई बच्चा है यहां पर जिसको समझ में नहीं आया अभी भी? एनी स्टूडेंट यहां पर, ऑब्जर्वेशन इज द की, यस यू सेड इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एब्सोल्युटली नंबर सीरीज यहां पर ऑब्जर्वेशन इज द की, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस एब्सोल्युटली, पूरा की पूरा यहां पर क्या चल रहा है डियर, रिविजन ही चल रहा है, इसलिए तो हम टाइमर और स्पीड के साथ चल रहे हैं। एनी स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आया, सारे के सारे टॉपिक का हमारा क्या है डियर, रिविजन चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट है उनके यहां पर टाइमिंग देख सकते हैं आप। यस चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये है आपका एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, 45 सेकंड्स के अंदर आना ही चाहिए। गॉट इट? वेरी गुड। एक बार पांच दिया है और
एक बार पास दिया है, वॉट इट सर, गॉट इट सर, कोर सब्जेक्ट, विच टाइम टू स्टार्ट। देखिए सबसे पहले माय पर्सनल एडवाइस फॉर जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, फिर टेक्निकल। 15 मिनट में आपका जनरल अवेयरनेस, फिर उसके बाद 35 मिनट में रीजनिंग, उसके बाद आपके पास जितना भी 70 मिनट्स बच रहा है उसमें आप अपना कर लीजिए टेक्निकल। अंडरस्टूड? यस। बी बॉम्बे, बी बॉम्बे, डी दिल्ली, बी बॉम्बे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आंसर्स आ रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर आंसर? यस बी बॉम्बे, बहुत ही सही आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो रहा है देखिए कैसे चेक करेंगे, आपका पिटी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एक साथ लिख रहा हूं मैं सभी के सभी को। और नेक्स्ट वन इज व्हाट, के आर ए बी। एनालॉजी में क्या होता है, जो रिलेशन यहां पर आ रही है वही रिलेशन हमें यहां ढूंढनी रहती है, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 16 से 11 जाऊंगा -5, 9 से 18, 20 से 1, कोई लॉजिक समझ में नहीं आया डायरेक्ट। जैसे ही पहला लॉजिक समझ में नहीं आएगा तुरंत फर्स्ट टू लास्ट हम लोग अप्रोच करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट अप्रोच करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, 16 से 22, दैट इज 16 to 22, क्या हो रहा है डियर, दैट इज +6। यहां पर देखिए डियर, उसके बाद अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो यहां पर भी आपके अगर 9, तो ये लॉजिक भी यहां पर काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक भी यहां पर काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसके बाद तीसरा लॉजिक ढूंढूंगा। तीसरा लॉजिक आपका क्या होगा डियर, ये देखिए आपको जब दोनों लॉजिक नहीं बने उसके बाद आप जाइएगा क्रॉस लॉजिक में। क्रॉस लॉजिक में क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 to 18 + 2, 9 to 11 + 2, 22 वॉट +2 में 22, और 25 to +2 में दैट इज 27। सेम चीज मैं यहाँ पर काम में ट्राई करूंगा, दैट इज ए में यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज सी, उसके बाद सी को यहाँ पर +2 करूंगा 5। सेम चीज यहाँ पर क्रॉस में चेक करूंगा, 12 + 2 दैट इज वॉट योर 14, और 13 + 2 दैट इज वॉट योर 15। CEON योर आंसर इज वॉट, बी बॉम्बे इज द आंसर। यस क्लियर और नॉट, ऑब्जर्व, यस यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट, ये चीज समझ में आई कि नहीं? पहला लॉजिक डायरेक्ट, सेकेंड लॉजिक फर्स्ट टू लास्ट, थर्ड लॉजिक में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस चलना है, थर्ड लॉजिक में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस चलना है। यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा टू न्यूमेरिक तो है, अल्फा से न्यूमेरिक तो है, लेकिन देखिए आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर दिया हुआ है, तो हमें कैसे ढूंढना है यहां पर आंसर का, ठीक है। 40 सेकंड इज, यस थैंक यू गाइज। आज साइंस भी होगा रोहित जी, आज साइंस भी होगा एट 6 to 8 PM, जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज का दी एंड, उसका भी कर देंगे हम। अंडरस्टूड? 6 to 8 PM एट अवर व्हाट, GS टर्मिनल चैनल। नाउ योर टाइमर हैज बीन व्हाट कंप्लीटेड, दिस इज योर आंसर। यस ब्यूटिफुली सी आंसर, बहुत ही बढ़िया, डिजिटल सम, एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक। देखिए ये सभी क्वेश्चंस का रिवीजन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ओके, दैट इज व्हाट FRIGHT, और हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, प्लॉ, दैट इज PLOUGH। अगर कोई नया स्टूडेंट भी अभी यहाँ पर देख रहा है ना, उससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। दैट इज फ्राइट इज रिटर्न इज व्हाट, 6 9 9 7 8 2। देखिए दो चीजें यहाँ पर समझने के लिए, एक तो जितने अल्फाबेट उतने नंबर तो है, दो वैल्यू को इन्हें 9 बोल दिया, मतलब डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है, और एक और डायरेक्ट कोडिंग नहीं है जानने के लिए क्या, कि आपका प्लाव यहाँ पर आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आप कैसे करोगे डायरेक्ट कोडिंग। बट यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है कि F तो 6 हो रहा है, 18 R का क्या होता है 18, दैट इज 1 + 8, 9 का तो हो गया 9, G का 7 का 7, H का 8, और T का हो गया 20, दैट इज व्हाट 2 + 0। सेम चीज यहाँ पर क्या करूंगा, दैट इज 16 है, That is 16 का क्या हो जाएगा 6 + 1 = 7, 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा 3, 15 का क्या हो जाएगा 6, 21 का क्या हो जाएगा 3, G का यहाँ पर 7 का 7, 8 यहाँ पर 8 का 8, 736 378, 736 378 आंसर इज व्हाट, सी चेन्नई इज द आंसर। अरे क्लियर और नॉट, यस डिजिटल सम इज द एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक गाइज, डिजिटल सम इज द एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक। यस सर डिफिकल्ट टॉपिक्स ओनली डियर, सारे के सारे करेंगे टॉपिक्स, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए डिफिकल्ट, इजी मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में जितना इजी टॉपिक उतने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चांसेस, बिलीव मी, जब नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आएंगे तब समझिएगा, रीजनिंग में जितना इजी टॉपिक उतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चांसेस, तो हमें एक्यूरेसी भी लानी है, स्पीड भी लानी है। या सी चैन ने बिल्कुल सही आंसर था गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जुड़े हैं डियर, बिल्कुल
नेवर फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज, नेवर फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चलिए नाउ वी विल स्टॉप योर टाइमर, दैट इज यस ए आगरा, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। सर मेरा 35 आया था, क्या 35 आया था डियर? ए आगरा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है डियर। व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट इज देखिए ये है आपकी तीसरी कैटेगरी अल्फा टू न्यूमेरिक, अल्फा टू न्यूमेरिक मतलब अल्फा में क्या आ रहा है, दैट इज स्टॉक इज रिटन एज 44। तो मतलब इतने बड़े यहां पर डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं चल सकती। सम ऑफ द डिजिट यहां पर अगर मैं चेक करूं, दैट इज क्या चेक करूं यहां पर, 20 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 11 करिए आंसर क्या आ रहा है 44। सेम चीज में क्या करूंगा, मार्क में ट्राई करूंगा एम ए आर के, दैट इज 13 1 18 एंड व्हाट 11। सभी को यहां पर क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, सभी को यहां ऐड करेंगे तो कितना आएगा डियर, 13 14 18 प्लस 11 43 इज द आंसर। आंसर इज व्हाट 43, दैट इज ए आगरा इज द आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। Understood? अरे यस और नो गाइस, यस एब्सोल्युटली क्या हो गया आंसर, दैट इज 43 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। चलिए अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। अब स्पीड से काम करना शुरू कर दीजिए गाइस, स्पीड से काम, ओके। दैट इज व्हाट अल्फा टू अल्फा कोडिंग चल रही है, अल्फा टू अल्फा कोडिंग, अल्फा टू अल्फा कोडिंग। अच्छा रास एसएससी में रीजनिंग में 35, अरे भैया इस बार बता रहा हूं आपको 50 आउट ऑफ 50 एम एक बार मेरे साथ लेकर तो चलिए आप सभी लोग। अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फिसलेंगे तो डिक्शनरी हमारे कौन से जिसमें आपको वर्ड मीनिंग अगर नहीं पता है, एंटोनियम सिनोनियम नहीं पता है वहां पर, बट जो कॉन्सेप्ट बेस है वहां पर तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं फिसलने वाला। यस 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 ब्यूटिफुली श्योर, जस्ट गिव मी द लॉजिक, कैन एनीबॉडी गिव मी द लॉजिक गाइस। आपके 45 सेकंड का टाइमर ऑलरेडी कर दिया, यस एब्सोल्युटली यहां पर आंसर क्या रहेगा, बी बॉम्बे। सभी का आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है, दैट इज बी बॉम्बे। डी एच इज रिटन एज एच पी जे, मतलब भी कि क्या डी से मैं जाऊंगा एच पे, तो ये क्या हो गया डी एच ई एच पी जे, क्या है ये 2, 8 and 5, और ये क्या जा रहा हूं मैं यहां पर क्या 4, 8 and 5, 4 से कहां पर 8 पे, 8 से कहां पर 16 पे, 5 से कहां पर 10 पे, मतलब क्या हो रहा है इंटू 2। सेम चीज में कहां ऐड करूंगा एफ एम जी में, दैट इज 6 इंटू 2 12, 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 क्या 26, दैट इज योर जेड, ओके। और वैसे 7 इंटू 2 14, 14 दैट इज व्हाट योर एन, एल जेड एन कहां आंसर आ रहा है, बी बॉम्बे इज द आंसर। यस और नो गाइस, यस यस एब्सोल्युटली, नमस्कार डियर नमस्कार। मल्टीप्लाई बाय व्हाट 2, डिवाइडेड बाय 2 के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। यूजुअल इज कोडेड एज 74, बिल्कुल भिड़ जाइए, ऑब्जर्वेशन इज द की इन दिस क्वेश्चन। जिसने जितना जल्दी ऑब्जर्वेशन यहां पर लगा लिया उतना ही ज्यादा बेनिफिट उसको होने वाला है। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, जस्ट डबल, यस जिसने जितना जल्दी ऑब्जर्वेशन यहां पर लगा लिया उतना ही जल्दी उसको यहां पर आंसर आने वाला है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन की हमें देखना है, भापना है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद कैलकुलेशन में जाइएगा। ओके यस नाउ योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड, यस एब्सोल्युटली यहां पर आंसर क्या आएगा। अरे भैया 45 मार्क्स तो मिनिमम आएंगे, इससे ज्यादा ही आएंगे, बिल्कुल दिलवाया जाएगा यहां पर। यस डियर आंसर यहां पर क्या आ रहा है, ओके ए आगरा यहां पर आंसर आ रहा है। अच्छे से चेक करिए गाइस योर आंसर, सम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सी चेन्नई एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, यस देखिए एडिशन में तो दिक्कत मत लाइए यहां पर, यूजुअल दैट इज व्हाट, ऐड करिए सबको। 21 19 कितना हो गया 40, अगेन 21 61, उसके बाद 62, आप उसके बाद क्या ऐड करोगे 62 प्लस 12 दैट इज 74। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं लिख लिख के कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट फिनिश 6 प्लस 9 कहां पहुंचोगे 15 प्लस 14 दैट इज व्हाट 29, ऐसे करके आप सॉल्व करते चलोगे। दैट इज प्लस 9 प्लस 19 प्लस 18 द सम इज व्हाट 65, सम ऑफ द डिजिट यहां पर चल रहा है, आंसर इज व्हाट सी चेन्नई इज द आंसर। अरे बिल्कुल मत घबराइए, मैंने पहले ही आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग से आपके पूरे नॉन टेक का डर हटा दूंगा मैं। 50 नंबर एग्जामिनेशन में जहां आपके आए वहीं पे आप डायरेक्टली पूरा की पूरा एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओगे। अंडरस्टूड, टेक्निकल में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा,
यस एब्सोल्युटली 74 और 65 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब यहां पर क्वेश्चन में अगेन आपकी ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि अल्फा से न्यूमेरिक जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा यहां पर, दैट इज 215 259, तो पजल से मैं कहां पर जाऊंगा। 5 सेकंड मैक्सिमम फॉर दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट रितेश, एब्सोल्युटली करेक्ट रितेश। रीजनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको ना कोई फॉर्मूला रट के आना है, ना कोई मेथड, ना कोई डेरिवेशन, कोई नियम कानून हमारे पास नहीं है, बस है तो सिर्फ और सिर्फ आपका लॉजिक और उस लॉजिक के पीछे का रीजन। दिस इज व्हाट योर जनरल इंटेलिजेंस लॉजिकल रीजनिंग विच इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। यस आंसर्स आर कमिंग आउट टू बी व्हाट, सी चेन्नई एक आंसर आ रहा है। यस एब्सोल्युटली, टाइमर थोड़ा सा ज्यादा हो गया डिले के कारण, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, डी दिल्ली, सी चेन्नई, ए आगरा, सारे के सारे आंसर दे दो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया एक्यूरेसी नाम की भी कोई चीज रखनी है कि नहीं रखनी है हमें, दिल्ली भी आ रहा है, चेन्नई भी आ रहा है, दैट इज 73883 पर। लेट्स चेक द आंसर कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। ओके यस दैट इज टैंकर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ 21529, मतलब टैंकर क्या है हमारा, दिस इज वॉट योर टैंकर, और टैंकर में टी लिखा है 2, मतलब 20 में 2 प्लस 0, ए को डायरेक्टली इन क्या लिख दिया 1 14, ये क्या 14 तो उसको लिख दिया 5, उसके बाद 11 है तो उसको लिख दिया यहाँ पर 2 5 5, और 18 को लिख दिया क्या 9। सेम चीज यहाँ पर ट्राई करूंगा किस पे, पजल के साथ, दैट इज नॉट पजल को लिखिए, 16 का क्या हो जाएगा डियर, दैट इज 1 प्लस 6 7, 21 का 1 2 प्लस 1 3, 26 का क्या 8 8, उसके बाद क्या हो जाएगा एल, दैट इज 3 और 5। यस 73883573835 आंसर इज व्हाट, डी दिल्ली इज द आंसर। अरे यस और नो, यस मेकिंग सम ऑफ द डिजिट, यस यस एब्सोल्युटली सम ऑफ द डिजिट। और भैया हमारा एम बिल्कुल मत भूलिएगा, 50 out of 50 का एम है, बिल्कुल मत सुनिए अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं आ पाएंगे, अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल मत सुनिएगा, हमारी पूरी कोशिश, हो सकता है कि आपके जो अल्फाबेटिकल के एंटोनियम सिनोनियम आए वो ही ईजी आ जाए, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ, तो बिल्कुल मत सुनिएगा डियर, गॉट इट, हो गई, ओके गलती हो गई, नहीं गलती नहीं होना, आगरा चेन्नई दिल्ली वालों चले आओ। अच्छा जी चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का वर्ड बेस से काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं कि 45 सेकंड में आप इसे क्रैक कर पाते हैं कि नहीं, लेट्स सी कि आप इसे 45 सेकंड में क्रैक कर पाते हैं या नहीं। यस 59 साइंस का मिला के 59 का पोर्शन बिल्कुल होगा, एब्सोल्युटली यस यस यस, आई एम विथ यू फॉर द 50, 200 में से 59 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी दिल्ली आंसर आ रहा है, चलिए यहां पर आंसर, दैट इज व्हाट, नो डियर, यस दैट इज व्हाट आंसर आपका क्या आ रहा है, एक आंसर यहां पर आ रहा है डी दिल्ली, दैट इज जे ओ, वी विल चेक आउट द आंसर कि यहां पर आंसर क्या रहेगा, ओके वी विल चेक आउट द आंसर, ए आगरा, यस आई ऑल्सो थिंक दैट कि आंसर क्या आएगा यहां पर, यस यस देयर मस्ट बी यहां पर मिसटाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हम देख लेंगे, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, यस दैट इज ए आगरा, बहुत ही बढ़िया डियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखिए क्या करते हैं यहां पर, तीनों की तीनों का आप करें कंपेयर, सेम एंड हीना इज रिटन एज जे जो मोसो एंड हीना इज बैक इज रिटन एस ओ एक्स ओ एंड के ओ, मतलब दोनों में कौन कॉमन है, हीना कॉमन है तो हीना को उठा लीजिए यहां से, और कॉमन यहां पर क्या है, एसओ कॉमन है तो एसओ को उठा लीजिए, दैट इज व्हाट हीना इज रिटन एज एसओ, अब डिफरेंट यहां पर टर्म यूज करेंगे, दैट इज सैम केम बैक, हमें क्या ढूंढना है केम, तो यहां पर कौन कौन मिल रहा है, यहां पर बैक मिल रहा है हमें बैक, सो एक्सओ एंड के ओ, और यहां पर भी क्या मिल रहा है डियर बैक मिल रहा है, दैट इज व्हाट यहां पर क्या हो जाएगा के ओ, एंड व्हाट के ओ इज व्हाट योर बैक, ठीक है, तो ये तो आपके पहले चले गया, ठीक है ये भी आपका पहले चलेगा, इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है, अब बचा कि आपका सैम, तो सैम यहां पर ये ट्रायंगल के फॉर्म में, और यहां पर भी सैम, और क्या कॉमन आ रहा है जे ओ एम ओ और जे ओ एम ओ, तो आंसर क्या बचा डियर, कैम के पास सिर्फ बचा क्यू ओ, दैट इज आंसर इज ए आगरा, ए आगरा इज द आंसर, क्लियर और नॉट, यस ए आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जो नॉट कॉमन आंसर इनकरेक्ट, नो डियर यहां पर ए आगरा यहां पर आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, केम के लिए आंसर क्या आएगा, केम हमें ढूंढना है तो केम का आंसर बचा, दैट इज क्यू ओ बचा, अंडरस्टूड, इस क्वेश्चन को भी 45 सेकंड्स में ही करेक्ट करना है, यस वेरी गुड, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
भैया वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पर चाहिए। और जस्ट वन अपील फ्रॉम यू कि शेयर योर व्हाट लॉजिक विथ मी, कि आपने अगले क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया वो लॉजिक मेरे साथ बताइएगा। सर दोबारा बता दीजिए, देखिए दोबारा की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, दैट इज सैम एंड हीना लिखा हुआ है, सैम एंड हीना यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट जे ओ एम ओ एस ओ। उसके बाद क्या लिखा है, दैट इज हीना इज बैक इज रिटर्न इज व्हाट एस ओ एक्स ओ एंड व्हाट के ओ। मतलब क्या समझूंगा यहाँ पर कि ये दो जगह एसओ एसओ कॉमन है, यहाँ पर कौन कॉमन है, हीना हीना कॉमन है, तो मतलब हीना का कोड क्या होगा, एसओ होगा। वैसे बस दो दो स्टेटमेंट को कंपेयर करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। यस एब्सोल्युटली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बोर्ड पर चाहिए मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शेयर योर लॉजिक विथ मी। आप हर एक स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो भी सॉल्व कर रहे डियर, आप अपना लॉजिक शेयर करिएगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया, प्लस वन प्लस टू माइनस थ्री कंप्लीट, कि टी ओ एस टी डब्ल्यू एल एक्स वी डब्ल्यू कैसे लिखा रहा है। शेयर योर लॉजिक विद मी इन दिस क्वेश्चन। एम ओ भैया केम ढूंढना है, केम, इसलिए हमने वहां पर सिर्फ कौन सा बचा था, क्यू ओ बचा था, इसलिए वहां पर क्यू ओ क्या बचा, केम। ओके सर, तीन में से दो बुक हो गए, एक बचा तो एक ही तो आंसर रहेगा। यस कम ऑन गाइस, अगेन टाइमर दो बार घूम चुका है आपका, प्लस थ्री माइनस थ्री विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। गॉट इट सर, ए आगरा आंसर आ रहा है, प्लस थ्री माइनस थ्री विल नॉट बी अप्रिशिएटेड गाइस। नहीं बिल्कुल नहीं, लॉजिक मुझे एकदम एग्जैक्ट चाहिए, आपके 45 90 मिनट्स यहाँ पर 90 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ए आगरा बिल्कुल सही है यहाँ पर, बट आई वॉन्ट द एग्जैक्ट लॉजिक, जब तक के करेक्ट लॉजिक नहीं मिलेगा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाली क्लास। यस एब्सोल्युटली करेक्ट रुचि कश्यप जी, वोवल में माइनस थ्री बाकी में प्लस थ्री, ये है सही लॉजिक, वोवल में माइनस थ्री एंड वॉट कॉन्सोनेंट में बाकी क्या प्लस थ्री, दैट इज वॉट टी ओ एस टी इज रिटन इज वॉट W, ये समझना सीख जाइए कि कहां अल्टरनेट चल रहा है, कहां पर वोवल एंड कॉन्सोनेंट चल रहा है। जस्ट ट्राई टू लुक आउट हियर कि देखिए 20 से 23 जा रहा हूं यहां पर तो प्लस 3 हो रहा है, बट डियर 15 से यहां पर 12 में क्या हो रहा है, माइनस 3 हो रहा है। फिर यहां पर चेक करिए यहां पर भी क्या हो रहा है, माइनस 3 हो रहा है, दैट इज 1 को 27 होता है, माइनस 3 से 24 अगेन, पर यहां पर 19 से 22 दैट इज प्लस 3, 20 से 23 प्लस 3, तो लॉजिक प्लस 3 माइनस 3 बोलोगे तो गलत है। यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, दैट इज व्हाट ये दोनों टर्म आपकी क्या है, ये दोनों टर्म आपकी वोवल्स है और बाकी सारे क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स है। दैट इज वोवल्स में क्या चल रहा है डियर, माइनस थ्री, और कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है, प्लस थ्री। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ किसमें, रेज में चेक करूंगा, आर ए आई एस ई, अगर आपने प्लस थ्री माइनस थ्री अल्टरनेट बोल दिया तो यहाँ पर तो आपको उसके हिसाब से आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, सेम चीज रेज में चेक करूंगा, आपके पास बबल कौन कौन से, ये सारे के सारे बबल से, इसमें क्या करूंगा डियर, दैट इज माइनस करूंगा, इसमें करिए पहले प्लस, प्लस थ्री करिए, दैट इज 18 प्लस थ्री दैट इज व्हाट योर 21, अब इसमें होगा क्या माइनस, माइनस करूंगा दैट इज व्हाट योर 24x, 9 माइनस थ्री कहा जाऊंगा डियर, दैट इज व्हाट 6, 19 प्लस थ्री यहाँ पर क्या जाऊंगा 22, इसमें क्या होगा डियर प्लस थ्री, और बाकी ये सारे बबल में क्या होगा, दैट इज माइनस करूंगा, दैट इज बी। आंसर क्या हो जाए, यू एक्स एफ वी बी, आंसर इज ए आगरा। यस और नो, देखिए कितना ब्यूटीफुल लॉजिक है, ये आपको एनालॉजी में भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी आएगा, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। यस और नो, यस ए आगरा आंसर आएगा, बी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग डियर, बी ए आगरा विल बी द आंसर। बी कहाँ से आ रहा है ये बी, अरे प्लस माइनस में भी गलती हो रही है, 19 में मैं प्लस 3 करूंगा कहाँ जाऊंगा 22 पे, डब्ल्यू इज 23। यस ओके एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। चलिए वी विल लुक आउट वन मोर क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेगा कितना, ज्यादा से ज्यादा लेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होना है। देखिए 45 सेकंड्स का टाइमर शुरू हो गया है, बस यहां तक क्या आपका आंसर आ जाना चाहिए था। गॉट इट, वेरी गुड। देखिए टाइमर आपके लिए लाया है ताकि रिविजन के साथ कॉन्सेप्ट में आप स्पीड भी चेक कर लें अपनी। यस यस ब्यूटिफुली डन गाइस, और बिल्कुल मत भूलिएगा आज आपका दैट इज जीएस टर्मिनल पे साइंस का भी क्लास होने वाली है, जीएस टर्मिनल पे साइंस की भी क्लास होने वाली है। यस
यही स्पीड चाहिए भैया, यही स्पीड चाहिए, पूरा एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे आप और हम मिलके, पूरा के पूरा एग्जाम का रीजनिंग क्रैक कर लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, सी ओ एस टी इज रिटन एज एक्स एल एच जी, देखते से समझ में आने वाला है, देखते से यहाँ पर समझ में आने वाला है, दैट इज वॉट, क्या हो रहा है, सी एक्स, क्या है ये, अपोजिट पेयर्स है, वॉट इज अपोजिट पेयर्स, और लिखे कैसे हैं, डायरेक्टली लिखे, वेट इज जो हमारा बहुत ही प्यारा वर्ड, दैट इज एल ओ एंड वी ई, योर लव फॉर वॉट, लॉजिकल रीजनिंग, योर लव फॉर लॉजिकल रीजनिंग, तो एल ओ हायर सेकेंडरी एच एस जी टी रोडी हो गया, सेम चीज में किसकी चेक करूंगा, डेयर की, डेयर का क्या हो जाएगा, दैट इज डी डब्ल्यू ड्यू ए टू जेड जेड इंडियन रेलवे एंड वॉट, आपका लव का वी ई, तो ई के साथ क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू जेड आई वी, डब्ल्यू जेड आई वी कहाँ मिल रहा है आपको, यस आई थिंक देयर इज सम मिसप्रिंट इन दिस, ओके यस यस, यहां पर क्या है डियर, मिसप्रिंट है, दैट इज डब्ल्यू जेड आई वी आना चाहिए था, आंसर इज व्हाट, ए आगरा, दैट इज डब्ल्यू जेड आई वी, ए आगरा, यस डब्ल्यू जेड आई वी एब्सोल्यूटली करेक्ट, यस बहुत ही ब्रिलियंट गाइस, यस ब्यूटिफुली डन, ब्रिलियंटली डन गाइस, डब्ल्यू जेड आई वी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 45 सेकेंड, टॉय इज रिटन एज व्हाट 60, तो हाउ ब्लू विल बी रिटन एज, अपोजिट अल्फाबेट सिर्फ 13 पेयर है, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे लॉजिकल रीजनिंग को तो आप टाइम पास ऐसे मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए लेकर आइए करें कि यार माइंड फ्रेश कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं अजय सर के साथ, अंडरस्टूड, और 50 नंबर कब आपके गेन हो जाएंगे डियर आपको भी पता नहीं चलेगा यहां पर, ओके और जो भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं गाइस, Do not forget to hit the like button and mark your attendance. Yes, answer क्या है भैया यहाँ पर, बी बॉम्बे absolutely, बी बॉम्बे absolutely, absolutely. डी दिल्ली नहीं आएगा डियर, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, अगर इतनी मेहनत अगर मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप लोग कंसिस्टेंसी दे रहे हैं, लेकिन सिली मिस्टेक आपका आंसर खा जाए सिर्फ प्लस माइनस करने में, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, देखें 20 + 15 दैट इज वॉट आपका हो गया यहाँ पर 35 35 + 25 60, एब्सोल्युटली आपकी इजोटी सीरीज है ये, तो सेम चीज यहाँ पर क्या करूंगा 2 + 12 + 21 + 5 अंडरस्टूड, दैट इज वॉट यहाँ पर 14 14 + 5 मैंने क्या 19 19 में जैसे किया 21 plus, तो आपका आंसर क्या आएगा 40 इज द आंसर, बी बॉम्बे इज द आंसर, अरे यस नो गाइस, बी बॉम्बे 40 इज द आंसर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, देखिए कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम इसके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट ट्राई टू फाइंड, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कोई भी गलती नहीं करेगा, और 45 सेकंड इज मोर देन इनफ, वे मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, नो मिस्टेक्स आर अलाउड हियर, और जो भी स्टूडेंट है प्लीज शेयर योर लॉजिक विथ मी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सही लॉजिक जब तक नहीं मिलेगा डियर मजा नहीं आएगा, लॉजिक बताइएगा क्या लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, एन ई सी के इज रिटर्न इज वॉट 1422311, ये सारे डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, यस बी बॉम्बे यहां पर आंसर सारा हुआ है, लॉजिक शेयर करिए मेरे साथ, दिल्ली और बॉम्बे दो आंसर्स आ रहे हैं, लॉजिक शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, शेयर योर लॉजिक विथ मी गाइस, शेयर योर लॉजिक विथ मी, अपोजिट नंबर सेम प्लेस वैल्यू एज इट इज, नहीं 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 भैया नहीं, ध्यान कहां है आप लोगों का, यस कैन एनीबॉडी शेयर नंबर 14 15 19, वोवल का अपोजिट एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू वोवल का अपोजिट, कॉन्सोनेंट की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू है, देखिए बिल्कुल सही लॉजिक, यस एन ई सी के इज रिटन इज वॉट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1422311, दैट इज 1422311, मतलब एन तो हमारा हो गया 14, भैया सी हो गया 3, के हो गया 11, ये तो डायरेक्ट फेस वैल्यू, लेकिन ई का 22 के साथ क्या रिलेशन है, ई का 22 के साथ क्या रिलेशन है, बैकवर्ड सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, बैकवर्ड सीरीज है, और बाकी सब जगह क्या चल रहा है, फॉरवर्ड सीरीज, मतलब कि क्या वोवल्स में आपकी बैकवर्ड सीरीज है, वोवल्स में आपकी बैकवर्ड सीरीज है, और कॉन्सोनेंट में आपकी फॉरवर्ड सीरीज है, अंडरस्टूड, आपका वोवल्स में क्या है, फॉरवर्ड सीरीज, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है गाइस, सेम चीज यहां पर किस पे लिखूंगा, दैट इज नोज, अरे भैया फॉरवर्ड सीरीज एन की क्या हो गई 14, एस की क्या हो गई 19,
15 क्या है आपका वोवल, ओ आपका वोवल है, तो 15 का अपोजिट क्या होता है, दैट इज लव, एल ओ एंड वी, इसका अपोजिट वी, तो इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू को आप यहां पर डायरेक्टली लिख दीजिए, दैट इज 12, और यहां पर ई का क्या हो जाएगा 22, आंसर क्या हो जाएगा 1412 1922 1922, दैट इज बी बॉम्बे इज द आंसर। तो ये लॉजिक सुनना चाह रहा था मैं आपसे कि वोवल में बैकवर्ड और कॉन्सोनेंट में फॉरवर्ड। यस यस, मिस्टेक्स आगे नहीं देखा, मैं कितनी बार रिपीट करूं डियर, कोई भी क्वेश्चंस को अधूरा नहीं छोड़ना है, ये लॉजिकल रीजनिंग का मैं आपको बार बार नियम बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, बस उसी स्टेप को फास्ट करेंगे बट कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है गाइस, यस और नो, यस स्टेप बाय स्टेप चलना है तभी मजा आएगा, ओके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। यस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट इज दिस, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, यस दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नहीं था, दिस इज योर क्वेश्चन, दैट इज इनकम इज रिटन एज व्हाट दिस, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू कैसे यहां पर लिखाएगी, क्लास कब तक है सर जी, डियर अभी तो अटेंड करते रहिए, आपका ढाई घंटे का मैराथन है, अभी तो डेढ़ घंटा ही हुआ है, अंडरस्टूड, और आज ही आपके व्हाट, आपने सभी ने कल सुमित सर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है कि नहीं, यस और नो, सभी ने सुमित सर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है कि नहीं, बी आंसर यहां पर आ रहा है एब्सोल्यूटली, देखिए बहुत ही बढ़िया बी आंसर, ठीक है चलिए आपको एक एक जनरल और इन्फॉर्मेशन यहां पर देता हूं, सर सी चेन्नई, ए आगरा, बॉम्बे अगेन, What is happening here? बिल्कुल इतना confusing question. This is your previous year question. Okay. क्या हो रहा है यहाँ पर students को? That is INCOME is written as what? 18 13 24 12 14 and 22. क्या समझेंगे यहाँ पर? अब हमें क्या ढूंढना है? Faster ढूंढना है. Faster को ढूंढना है fast तरीके से. कैसे करेंगे? देखिए. ये एक्चुअली क्या है डियर, देखिए आई का यहाँ पर 18 से भी लॉजिक दिख रहा नहीं, 22 से नहीं दिख रहा, मैंने आपको इसलिए बार बार याद करा है, बैक अपोजिट पेयर से याद कर लीजिए डियर, दैट इज ए टू जेड, बी से क्या होता है बाय बाय, बी से बाय बाय, सी से क्या होता है एक्स, यहाँ पर क्या होता है डी से क्या होता है दैट इज योर ड्यू, डी से ड्यू, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा फ्लू, एफ से फ्लू, और दो तो बहुत ही प्यारा दैट इज योर लव, L O N V E, फिर उसके बाद इंडियन रेलवे, जी टी रोड, हायर सेकेंडरी, ये सारे के सारे मैंने आपको याद करवाए थे, क्लियर और नॉट, ये और एक और आपका कौन सा हो जाता है यहाँ पर जे क्यू, ठीक है जे क्यू हो जाता है, और एक और कौन सा हो जाता है पी के, तो ये कितने हो गए आपके 13 पेयर हो गए, सेम वही चीज आपको यहाँ पर देखनी है, दैट इज ये क्वेश्चन है आपका बैकवर्ड सीरीज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, लेकिन बैकवर्ड सीरीज की हमारे पास ट्रिक क्या है, What is the trick of the backward series? Backward series की हमारे पास trick इतनी simple सी है कि जो उसका opposite letter है उसके face value यहाँ पर लिख दीजिए. That is अगर backward series में हमारा मतलब क्या होता है 27 में से आप 9 minus करोगे क्या आएगा 18. इतना time exam में बस नहीं रहता. I का opposite क्या है dear? I का opposite that is what Indian Railways that is R. तो R का ही तो face value क्या है 18. Understood? That is opposite face value directly लिखी हुई है. इसी को बोलते हैं backward series. N का अपोजिट क्या है यहाँ पर एक और टर्म आ गया दैट इज मैन एम एन क्या होता है मैन एन का अपोजिट है M M की फेस वैल्यू है 13 ठीक है C का अपोजिट क्या है X तो यस X की 24 O का अपोजिट दैट इज लव दैट इज व्हाट योर L मतलब ये सभी क्या है यहाँ पर बैकवर्ड सीरीज चल रही है M का अपोजिट क्या होता है N तो 14 E का अपोजिट V सेम चीज यहाँ पर क्या करूंगा सेम चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा F का अपोजिट क्या है फ्लू दैट इज U मतलब 21 A का अपोजिट दैट इज Z दैट इज 26 S का अपोजिट हायर सेकेंडरी दैट इज H का यहाँ पर 8 T का अपोजिट GT रोड दैट इज 7 E का अपोजिट L दैट इज 22 R का अपोजिट इंडियन रेलवे दैट इज 9 तो 21268 21268 7229 आंसर इज B बॉम्बे अरे समझ में आया कि नहीं आया सभी को यस और नो अरे मजा आया कि नहीं डियर इतना बढ़िया क्वेश्चन है डियर यहाँ पर इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये यस और नो ये प्रीवियस अल्फाबेट नंबर वाइज यस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका यू कैन चेक आउट द लेवल ऑफ एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2019
तो भैया हमें पूरा की पूरा प्रिपेयर रहना है 2020 जो पेपर दे रहे हैं हम। अरे यस और नो गाइस, यस यस, थैंक यू गाइस। और ये आपके बेसिक लॉजिक क्या है बैकवर्ड सीरीज, बट दिस इज अवर ट्रिक कि हमें यहाँ पर इस ट्रिक से चलना है और इस ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका सेकंड में। बिलीव मी, अगर आपने -27 से क्वेश्चन करना कोशिश किया, ये क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, क्रॉस में ऐड हो रहा है, प्लस माइनस करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। बट अगर आपको सिंपल इतनी सी चीजें याद है, क्या ये इंडियन रेलवे याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? हायर सेकेंडरी इंडियन रेलवे जीटी रोड, ओके। और आपका क्या लव, ये तो आप जिंदगी जन्म नहीं भूलोगे, दैट इज व्हाट लव, LOVE, अंडरस्टूड। इनको याद रखने में क्या दिक्कत है डियर, कोई दिक्कत नहीं। पी के याद रख लीजिए, पी के कमला पसंद, कुछ भी याद रख लीजिए, केविन पीटरसन, आप यहां से याद रख सकते। यस एब्सोल्युटली, मजा 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 आ रहा है, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली मजा आना भी चाहिए गाइज। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। चलिए यस, हथौड़ा सिंह इज व्हाट, यस मैटर ऑफ वैल्यू। चलिए नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए पूरा लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन भी चल रहा है, कैटेगरी वाइज भी हम धीरे धीरे चल रहे। व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दैट इज आपके लिए नॉन टेक्निकल के लिए न्यू एजुकेटर हैव बीन इंट्रोड्यूस यस्टरडे, दैट इज सुमित धांगर सर। योर जनरल अवेयरनेस के लिए सुमित धांगर सर आ चुके हैं आप ही के चैनल में। यू विल टीच व्हाट पॉलिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट। तो बिल्कुल गाइज आज इवनिंग में आप उनका सेशन है, आप वो सेशन चेकआउट करिएगा। He will be conducting your revision sessions, okay? तो बिल्कुल उनका session बिल्कुल मत भूलिएगा, check करिएगा। That is what An Academy SSCJ YouTube channel only. Your next topic is what? Direction test. मैंने बोला है पूरा concentration मुझे आपका सिर्फ dear मुझे यहाँ पर 5 घंटे दे दीजिए। और ये 5 घंटे पे star mark है भैया यहाँ पर। Conditions applied. 5 घंटे में स्टार मार्क ये है कि आप जहां जहां पर क्वेश्चन डबल से सॉल्व करवाओगे यहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर प्लस माइनस 1 पे ही चलेंगे, आज 2.5 घंटे का सेशन, कल 2.5 घंटे का सेशन, ओके यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डायरेक्शन टेस्ट। एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, डायरेक्शन टेस्ट मतलब सबसे पहले आपको देखना है फेसिंग, ठीक है फेसिंग, फिर उसके बाद आपको देखना है क्या कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर उन्होंने बोल दिया कि ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट फेसिंग मतलब मेरे को अगर बोल दिया ईस्ट फेसिंग के बाद इसका लेफ्ट और राइट देखना है, तो मेरा लेफ्ट देखूंगा कि इस पर्सन का लेफ्ट। तो अगर ये ईस्ट फेसिंग है तो ये ऊपर उसका क्या हुआ डियर, ये हुआ इसका लेफ्ट और ये हुआ इसका राइट, अंडरस्टूड। सिंपल सा लॉजिक है, यही आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगा, डायरेक्शन टेस्ट में भी काम आएगा। या सर नो, फुल कॉन्सेंट्रेशन हिंदी में थोड़ा सा, ओके यस। अनुराग सर के साथ डियर एक और एजुकेटर आपके जुड़ चुके हैं, दैट इज सुमित धांगर सर, ओके। फॉर योर रिवीजन क्लासेस सुमित धांगर सर की भी क्लासेस शुरू हो रही है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे, लेफ्ट और राइट में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, इन क्वेश्चन को भी सेकेंड्स में उड़ाएंगे डियर, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन, दैट इज सिद्धार्थ स्टार्टेड वॉकिंग। अब यहां से एक एक रीजनिंग का नियम ये कि स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक बार में एक स्टेप, एक बार में एक ही चीज पढ़ेंगे हम, ओके। यस 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 डेफिनेटली, जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं गाइस, मार्क योर अटेंडेंस एंड हिट द लाइक बटन। This is the most beautiful session I have ever conducted on logical reasoning, और आपके लिए सबसे ज्यादा beneficial रहेगा। देखिए कोई भी काम का cause matter करता है guys, कि आप किस cause से कर रहे हैं। What I am trying to just what कि आपके marks maximize हो सके, the cause is very very positive here, okay। तो आप लोग भी मेरे साथ ही बने रहिएगा। Any answers? यस आंसर्स यहाँ पर आ रहा है, टाइमर थोड़ा ज्यादा आपका यहाँ पर जा चुका है। यस मे बी देयर मस्ट बी लैंग्वेज प्रॉब्लम। यस आंसर क्या होगा, बी 240 250, आग लगा देंगे। अच्छा जी चलिए, अरे उड़ा के आओगे क्वेश्चंस। आई बिलीव जितने भी लोग CHSL का पेपर देके आए थे, रीजनिंग उड़ा के आए थे मेरे स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोग SSCJE में उड़ा के आओगे। ज्ञान के बारिश रीजनिंग, ओके यस 240 आएगा कि 250 आएगा, कब खुद क्लियर हो जाइए पहले। प्लस माइनस करना नहीं सिखाने वाला मैं यहां पर, ठीक है, प्लस माइनस करना नहीं सीखेंगे हम यहां पर।
क्या हो रहा है, दैट इज सिद्धार्थ स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द साउथ। सिद्धार्थ यहां से अपने घर से कहां चला, टुवर्ड्स द साउथ चला, ठीक है, स्ट्रेट एंड वेंट 100 मीटर, 100 मीटर यहां पर सिद्धार्थ गया, एंड टुक अ राइट टर्न एंड वेंट 70 मीटर। ये फेसिंग है सिद्धार्थ की, यहां से क्या लेगा, राइट टर्न लेगा डियर, तो यहां से राइट टर्न लेके मतलब इधर राइट टर्न लेके इधर आके कितना 70 मीटर्स। देन उसके बाद क्या बोला, एंड वेंट एंड टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद क्या बोला, लेफ्ट टर्न, तो यहां से ये फेसिंग है तो लेफ्ट कहां आएगा, नीचे, देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव व्हाट 140 मीटर्स। एक एक स्टेप एक बार में अगेन टू रीच अ बैंक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट या फिर एरियल, ये लास्ट लाइन को पढ़ने में अगर किसी ने भी गलती करके आया एग्जामिनेशन में डियर, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, इतनी मेहनत करने के बाद ही अगर लास्ट लाइन में आपने गलती करके आया बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए, ये उसकी फाइनल है, ये उसकी इनिशियल है, कितना हो गया, मतलब ट्राइंगल पाइथागोरस से निकालूंगा, द बेस इज 70 एंड द परपेंडिकुलर इज व्हाट 240, 240 और यहाँ पर 70 का स्क्वायर निकालिए, 240 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर का अंडर रूट निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, क्या आ रहा है आंसर, अब भी कंफ्यूजन है क्या कुछ, यस अभी भी कंफ्यूजन है क्या, यहां पर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा गाइज, यस दैट इज अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है यहां पर गाइज, कैसे चलेगा बताइए मुझे, अभी तो एब्सोल्यूट आंसर दे दीजिए मुझे, चलिए गिव मी द एब्सोल्यूट आंसर गाइज, हिंदी में लगा दो प्रश्न डियर, आपको समझा मैं पूरा दूंगा डिफरेंट लैंग्वेज में। अरे भैया अब आपका क्या रहेगा, यहां पर क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 250 का स्क्वायर, 62500 करेंगे, आंसर वाज बी बॉम्बे, दैट इज 250, दैट इज आंसर क्या आएगा, बी बॉम्बे, अंडरस्टूड। अरे ऐसी गड़बड़ी नहीं करना है प्लस माइनस में, 240 का स्क्वायर और 70 का मतलब 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, बी बॉम्बे, यस एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले आप इससे पहले एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, जस्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास बचा रह गया था, दिस वन, जस्ट ट्राई दिस वन, ओके, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यस 250 होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा की पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे ये क्वेश्चन, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तब भी 35 सेकंड में हो जाएगा, ट्रिक से जाओगे तो 15 सेकंड में हो जाएगा, ओके यस, वेयर आर द एक्स्ट्रा लाइक्स, ओके नाउ योर टाइमर इज बीइंग कंप्लीटेड, टाइमर आपका यहां पर अब कंप्लीट होता हुआ, आंसर क्या आएगा आपका, डी दिल्ली इज द आंसर, यस एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट करेक्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, यस व्हाट इज द क्वेश्चन, डी दिल्ली एब्सोल्यूटली करेक्ट। देखिए पुनीत इज स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ, यहां पर पुनीत खड़ा है, कहां पर देख रहा है डियर, साउथ में, अब क्या बोला है, देन ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में, तो एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉक बोल दे, काउंटर क्लॉकवाइज बोल दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, कितना 180 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में गया, तो यहां पर आऊंगा डियर, देन 45 डिग्री, एक एक स्टेप, एक स्टेप एक बार में लेनी है, देन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री उसके बाद कहां जाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो यहां पहुंचा मैं, फिर उसके बाद क्या बोला है, 135 डिग्री कहां पर एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पर फाइनली पहुंचा, और क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है डियर, वेस्ट डायरेक्शन है, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज जी दिल्ली वेस्ट, अंडरस्टूड। ये तो हुई आपकी क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, ऐसे आप कर सकते हो, और भी सिंपल तरीके से कैसे डायरेक्ट जा सकते हो, कि जस्ट क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज को आप कर दीजिए प्लस और क्लॉकवाइज को कर दीजिए क्या माइनस, क्लॉकवाइज को कर दीजिए माइनस, कैसे करेंगे, यहां पर क्या लिखा है, 180 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 180, उसके बाद क्या बोला है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 45, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 135, कितना हो गया, 180 माइनस 45 135 कितना हो गया, प्लस 270,
भैया प्लस 270 मतलब 270 डिग्री एंटी क्लॉक, 270 डिग्री एंटी क्लॉक यहां पर रहते हैं आप, ये उसके ओरिजिनल क्वेश्चन है। 270 डिग्री एंटी क्लॉक जाओगे तो ये देखिए ये आपका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कब कब काम करेगी, बहुत बढ़िया, जब बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा डायरेक्टली यहां पर आंसर आएगा। यस और नो सर प्लीज क्लियर डाउट, व्हाई नॉट ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्यों आएगा, कोई चांस ही नहीं है। अब 180 डिग्री यहां पर कहां गए, एंटी क्लॉक, फिर उसके बाद 45 डिग्री आप क्लॉक गए, भैया क्लॉक जाने, एंटी क्लॉक जाने के बाद फिर क्लॉक, फिर उसके बाद आप लोग कहां जा रहे हो, उसके बाद अगेन एंटी क्लॉक, तो क्यों आएगा ए आगरा नॉर्थ वेस्ट, जस्ट आंसर में ये है आपका स्ट्रेट वेस्ट। अरे यस नो गाइस, सर क्लास कब तक चलेगी, सर प्लीज टेल मी योर एक्सप्लेनेशन, ऑसम थैंक यू डियर। क्लास डियर आपकी आज 2.5 आवर्स, दैट इज 4:30 टू 5 तक हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है 4:30 टू 5। क्या हुआ, घबरा गए क्या लॉजिकल रीजनिंग से, ओके सर ए क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया तो डियर आप इसको करिए तो साउथ फेसिंग से आप स्टार्ट करोगे, ए वहां पर नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा वेस्ट। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, यस चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेक, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपकी तीसरी कैटेगरी, क्यों है स्पेशल कैटेगरी, यहाँ पर 45 प्लस 45 आकर 90 लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कौन सा है, शेडो वाला क्वेश्चन है, ठीक है सनसेट आ गया और कौन सा आ गया शेडो, दीज आर शेडो क्वेश्चन, जस्ट ट्राई, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दूंगा, उसके अलावा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रिक माई डियर, माई ट्रिक्स आर नथिंग बट कॉन्सेप्ट, रीजनिंग इज इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट एट द सर ओपन डाइस वाले क्वेश्चन, यस पीयूष जी आपकी अपील आज पूरी की जाएगी, ओपन डाइस का भी क्वेश्चन होगा आपका, ओपन डाइस के भी क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल मत घबराइए गाइस, डू नॉट फियर इफ आई एम हियर, भैया बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, ठीक है बस स्पीड से आप चलते चलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में। अब सारे क्वेश्चन में स्पीड से काम होगा, यस आंसर इज कमिंग आउट टू बी वॉट, दैट इज साउथ, यस एब्सोल्यूटली, यहां पर टाइमर हमारा हम स्टॉप करेंगे, दैट इज ए आगरा, साउथ इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, क्या बोला है, कैल्विन एंड कार्तिक आर सिटिंग विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कैल्विन है और कार्तिक है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, कहां बैठे हैं नहीं पता, आगे पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट का टाइम बोल दिया तो मतलब सूरज कहां डूबता है डियर, वेस्ट में, ये आपका क्या हो गया, सूरज इज इन व्हाट, सन इज इन व्हाट, वेस्ट, तो मतलब यहां पर कोई भी पर्सन होगा तो उसकी शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में, उसकी शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में, सूरज और किसी भी सूरज के पास सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट, ये आया हमारा कहां से, सनसेट से। अब आगे पढ़ेंगे, इफ द शेडो ऑफ कार्तिक फॉल्स एग्जैक्टली टू द राइट साइड, जो कार्तिक की शेडो है वो उसके एग्जैक्टली राइट साइड, मतलब कार्तिक का अगर मुझे राइट साइड लेना है तो यहां कहीं आपका कार्तिक होगा, ठीक है ये आपका होगा डियर क्या, कार्तिक, तो मतलब ये अगर कार्तिक का राइट है, शेडो इस साइड है, अगर ये बोल रहा है ये कार्तिक का राइट है, तो भैया अगर ये कार्तिक का राइट है तो फेसिंग किससे होगी, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन की फेसिंग होगी, अगर साउथ डायरेक्शन की फेसिंग होती तो कार्तिक का क्या हो जाता, लेफ्ट, ये कार्तिक का क्या है, राइट है, तो मतलब कार्तिक के पीछे बाल बना दूंगा, और कार्तिक के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है डियर, केल्विन, यहां पर मुस्कुराता हुआ केल्विन, तो इसका अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो केल्विन का फेसिंग क्या होगी, साउथ, अंडरस्टूड, और साउथ कौन सा डायरेक्शन आएगा, इन विच डायरेक्शन केल्विन इज फेसिंग, आपका आंसर क्या होगा, ए आगरा, दैट इज साउथ। अरे यस नो गाइस, यस इमेजिनेशन पावर पूरा की पूरा लॉजिक पे काम करेगा, यहां पर सनसेट बोला तो शेडो इधर और राइट साइड बोला तो हमें मिलगी फेसिंग, अंडरस्टूड, यस एब्सोल्युटली फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब स्पीड से करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स फ्लेवर्स, एब्सोल्युटली गाइस एब्सोल्युटली फ्लेवर्स तो आपको यहां पर मिलेंगे। सनराइज, सनराइज का होगा डियर कि सन ईस्ट में रहेगा तो शेडो बनेगी वेस्ट में, सनसेट में सन वेस्ट में और शेडो बनेगी ईस्ट में। नो फियर अजय सर इज हियर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, शर्त मेथड से लगा सकते हैं मतलब, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, यस यहां पर आंसर्स आ रहे हैं डियर, दैट इज व्हाट, बिल्कुल चेक करेंगे आंसर यहां पर क्या आ रहा है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, रीजनिंग का मजाक हो रहा है, यस
अरे पूरा की पूरा रीजनिंग उड़ा के आ जाएंगे डियर एग्जामिनेशन में। डी दिल्ली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सरोज वॉक्स एक रीजनिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग बोले तो भैया कैसे चलना है स्टेप बाय स्टेप। सरोज वॉक्स 25 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट मतलब सरोज कहां पर चली 25 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 35 मीटर। लेफ्ट टर्न लेने के बाद कहां पर ये 35 मीटर। देन आगे देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 42 मीटर। ये सरोज का अगेन लेफ्ट क्या हो जाएगा डियर इस डायरेक्शन में 42 मीटर्स। ओके ये इसकी हो गई फेसिंग। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 23 मीटर। अगेन भैया लेफ्ट टर्न किया और कितना वॉक किया 23 मीटर। देन भैया उसके बाद एंड शी फाइनली टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 70 मीटर। फाइनली क्या 70 मीटर लेफ्ट टर्न करके दैट इज 25 प्लस 17 दैट इज 42 तो ये क्या हो गया सेम इन लाइन आ चुका है। ये हो गई फाइनल पोजिशन, ये हो गई इनिशियल पोजिशन सरोज की। अब ये लास्ट लाइन पढ़ने कभी भी गलती मत करेगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है यहाँ पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। ये होगा भैया डायरेक्शन और डिफरेंस कितना बचा 35 में से क्या माइनस करूंगा 23 तो आपका आंसर क्या क्या आ रहा है दैट इज 12 मीटर। और किस डायरेक्शन में साउथ में तो 12 मीटर साउथ डी दिल्ली इज द आंसर। अंडरस्टूड रेफरेंस पॉइंट पे कोई भी गलती नहीं करेंगे एब्सोल्युटली। यस 200 लाइक्स मार्क्स हैव बीन क्रॉस्ड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली गाइस यस एब्सोल्युटली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 12 साउथ। ओके चलिए एंड गाइस अगर आपको जितना भी मेरे साथ आपकी जर्नी रही है अगर आपको लगता है कि यस योर रीजनिंग हैव बी मेड वेरी वेरी इजी फॉर गाइस तो जस्ट आई नीड वन सपोर्ट कि डू शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन। आप जितना शेयर करेंगे डियर मैं चाहता हूं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो टेक्निकल में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। योर टाइमर हैज बीन स्टॉप्ड आंसर इज सी चेन्नई यस। चलिए जो टेक्निकल में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन नॉन टेक के कारण रह जाते हैं तो हर एक नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट का डर हटाने के लिए आई एम हियर फॉर द नॉन टेक्निकल पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग जो कि इतना बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्शन है गाइस बिल्कुल हर एक स्टूडेंट तक यहाँ पर पहुंचना चाहिए। और ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन टेक का बच्चा चाहिए यहाँ पर हर एक स्टूडेंट मेरा टेक्निकल का है आई एम ऑल्सो फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड बट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक मेड एवरीथिंग ईजी। बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे सारी चीज समझ में आ जाएगी सी चेन्नई यस। देखिए कार्तिक एंड प्रयाग अब देखिए यहाँ पर दो पर्सन आ चुके हैं कार्तिक एंड प्रयाग स्टार्ट वॉकिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। कार्तिक गोज 40 मीटर्स नॉर्थ। कार्तिक कहाँ गया 40 मीटर्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। लेफ्ट टर्न करने के बाद कितना वॉक किया डियर 20 मीटर। फिर उसके बाद प्रयाग के बाद प्रयाग गोज 60 मीटर साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। प्रयाग को दूसरे कलर से शो करेंगे प्रयाग को 60 मीटर साउथ एंड देन टर्न लेफ्ट। प्रयाग कहां गया 60 मीटर साउथ गया 60 मीटर साउथ का लेफ्ट टर्न मतलब इस डायरेक्शन में एंड लेफ्ट टर्न करने के बाद 20 मीटर। प्रयाग टर्न्स लेफ्ट अगेन। प्रयाग ने फिर से एक और लेफ्ट टर्न दिया ये हो गया प्रयाग। ये कौन था डियर आपका कार्तिक। ठीक है व्हाट डिस्टेंस मैंने बोला है लास्ट लाइन बहुत ध्यान से व्हाट डिस्टेंस शुड प्रयाग वॉक नाउ so that he reached 40 meter east of the Kartik। देखिए मतलब प्रयाग की ये इनिशियल अब ये बता रहा है क्या बोल रहा है प्रयाग को ऐसी कितनी डिस्टेंस चलनी है कि वो 40 मीटर ईस्ट ऑफ कार्तिक के आ जाए। 40 मीटर ईस्ट मतलब यहाँ उसके को पहुंचना है कार्तिक के पास नहीं पहुंचना है कार्तिक से 40 मीटर ईस्ट में पहुंचना है। ये हो गई फाइनल। तो भैया ये 20-20 तो मतलब मैं सेम इन लाइन आ चुका हूँ और डिफरेंस कितना बचा 100 मीटर का बचाओ किस डायरेक्शन में जाऊंगा डियर दैट इज व्हाट योर डायरेक्शन शुड बी नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा दैट इज सी चेन्नई 100 मीटर। अरे क्लियर है कि नहीं बच्चों चलिए आंसर में यस दैट इज सी चेन्नई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली। फ्लेवर हर क्वेश्चन पे आएगा रिवीजन चल रहा है फ्लेवर हर क्वेश्चन में आएगा। यस सर
यस इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द की हियर, कॉन्सेप्ट इज द की, ओके गाइज, कॉन्सेप्ट इज द की, ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट। यस बी बॉम्बे आंसर आ रहा है, दैट इज व्हाट, बी बॉम्बे लेफ्ट 25 मीटर, अंडरस्टूड गाइज, आंसर क्या रहेगा आपका, दैट इज लेफ्ट 25 मीटर इज द आंसर। चलिए अभी सेशन तो आपका और चलने वाला है डियर बेहतरीन तरीके से, तो बिल्कुल अभी भी गाइस जो भी नए हुए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस सेशन एज मच एज वी कैन, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर लाइव आ सके, वी आर रैंकर्स, यस यस। चलिए यस बी बॉम्बे एब्सोल्युटली, बिल्कुल डियर, यहां पर संध्या जी यहां पर ध्यान दीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, अंडरस्टूड, यस। जस्ट रैना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द बस स्टैंड टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वेंट 80 मीटर, रैना कहां पर बस स्टैंड से चले हुए कहां पर ईस्ट में 80 मीटर, अंडरस्टूड, नेक्स्ट ईस्ट, ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 70 मीटर, लेफ्ट टर्न करके 70 मीटर, ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट टर्न करके 70 मीटर, शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड 55 मीटर, अगेन लेफ्ट टर्न करके कितना 55 मीटर, देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 45 मीटर, मतलब ये फेसिंग है तो वॉक राइट कहां पर आएगा, ये आपका आ गया क्या राइट एंड वॉक 45 मीटर, विच साइड शुड शी टर्न नाउ एंड हाउ मच डिस्टेंस शुड शी वॉक सो दैट शी इज 115 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द बस स्टैंड। देखिए जिनको लास्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था, यहां पर ध्यान दीजिएगा लास्ट लाइन पे, ये यहां पहुंच गया रैना, ठीक है, रैना पहुंच चुकी है यहां पर, अब नेक्स्ट क्या, इन विच, क्या पूछा है, विच साइड शुड शी टर्न नाउ, किस साइड उसे मुड़ना है एंड हाउ मच डिस्टेंस शुड शी वॉक सो दैट शी इज 115 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द बस स्टैंड। ये आपका बस स्टैंड था, ये आपका बस स्टैंड था, बस स्टैंड से हमें 115 मीटर नॉर्थ जाना है, मतलब मैं यहां से सीधा कहां गया, ये 115 मीटर नॉर्थ, अंडरस्टूड, 115 मीटर नॉर्थ, आई विल यूज अ डार्क कलर, दैट इज व्हाट, 115 मीटर कहां पर नॉर्थ, मतलब यहां पर जाना है हमें, अंडरस्टूड, यस और नो, हमें कहां जाना है, यहां पर जाना है, तो ये क्या था 70 + 45, तो यस ये तो एग्जैक्टली इन लाइन आ गया 115 मीटर, मतलब ये इसकी क्या फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, यहां पहुंच चुकी है और यहां पर जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं यहां पर, दैट इज योर डायरेक्शन इज व्हाट, ईस्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अगर फॉरवर्ड फेसिंग है तो किस डायरेक्शन में टर्न लेगी, दैट इज लेफ्ट टर्न लेगी, ओके, और कितना चलेगी, 80 में से 55 माइनस करिए, यहां पर कितना बचा है 25, दैट इज यहां पर क्या बचेगा 25 मीटर, लेफ्ट बी इज द आंसर। अरे अभी सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस दैट इज 80 - 55 इज 25, और आंसर क्या लेफ्ट टर्न, हमें ये नहीं बोला है कि उसके घर से कितनी दूर है, अभी चेंज करके क्या बोल दिया कि घर से एक जगह पॉइंट है वहां से कितना दूर है, तो सिंपल सा टॉपिक है, यहां से पूछे चाहे वहां से पूछे, हमें तो सब क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है और उसमें से डिस्टेंस माइनस करनी है, यस और नो गाइस, यस, चलिए एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, क्वेश्चन की स्पीड और बढ़ेगी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू होने वाला है, उसके पहले ही मैं आपको बता दूं हमारा सेशन अभी और भी अच्छा चलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपके पास रखे हुए हैं, सो अभी भी गाइस डू शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, डू शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। डियर नहीं समझ में आया क्या, 70 + 55, ओके जी, चलिए एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, क्या एड कर दिया आपने यहां पर, अरे ये 55 लेफ्ट है, जब मुझे ऊपर जाना है तो ये 70 और ये रहा 45, जब मुझे ऊपर जाना है तो मैं 55 को क्यों ऐड करूंगा यहां पर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, 70 में 45 ऐड करूंगा, 70 + 45 कितना होता बताइए, प्लस माइनस थोड़ी करेंगे डियर हम यहां पर, 115 इज द आंसर, क्लियर, यस और नो, यस, सो गाइज डू शेयर, गुड आफ्टरनून डियर, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन गाइज, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि अभी और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। If I am working this hard for you, I want your consistency and your support by sharing this video as much as you can. And the next topic is what, your sitting arrangement. अरे अरे बिल्कुल नहीं दिया, सॉरी की बात नहीं है, यही आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लास्ट लाइन का समझ में इंग्लिश में, लेकिन लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई भी गलती नहीं, ओके, डेफिनेटली हम कहां पर आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पे, सिटिंग अरेंजमेंट में दो ही आपको आते हैं, दैट इज सर्कुलर एंड लीनियर, सेम चीज चलेगी, एक तो आपका चलेगा लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे फेसिंग, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या लेफ्ट एंड राइट, पहले हम क्या देखेंगे फेसिंग, देखेंगे कि किस डायरेक्शन की फेसिंग है,
उसके बाद देखेंगे लेफ्ट एंड राइट। जैसे अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, अगर साउथ फेसिंग है तो ये उसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट और जस्ट अपोजिट राइट। अंडरस्टूड? अगर सिटिंग अरेंजमेंट है, कुछ नहीं बोला तो हम नॉर्थ फेसिंग मान के चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म आ जाती है, दैट इज, दो इंपॉर्टेंट टर्म पे याद रखेगा कि किस डायरेक्शन में सिटिंग, डायरेक्शन अलग होता है, फेसिंग अलग होता है, क्या सिटिंग डायरेक्शन, सिटिंग डायरेक्शन अलग होता है और फेसिंग एक अलग चीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या, फेसिंग मतलब किस डायरेक्शन में देख रहा है, फेसिंग मतलब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और सिटिंग मतलब किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। क्वेश्चंस करेंगे, दोनों के दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं यहाँ पर। यस सन, वन मोर टाइम, लास्ट क्वेश्चन डियर। सेटिंग अरेंजमेंट की ट्रिक यहीं पर है, जितनी भी लिखी है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन में अभी समझ लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन में समझ लेंगे। ओके, चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस गाइज। लीनियर अरेंजमेंट पे यहां पर आपका क्या रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे, देखिएगा। ये तो आपका डायरेक्शन टेस्ट से ही क्वेश्चन आ गया। ओके, एक डायरेक्शन टेस्ट का यहां पर क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पे चले जाएंगे हम लोग। एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन बचा हुआ, उसको सॉल्व कर लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट चले आएंगे। योर टाइमर हैज बीन अप, एनी आंसर्स? किसी का आंसर ही नहीं आया अभी तक यहां पर। अभी तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, एक डायरेक्शन टेस्ट का और क्वेश्चन बता दीजिए डियर शेडो वाला, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस बार पक्का पार, यस एब्सोल्युटली गाइस। अरे रीजनिंग अगर साथ में है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डी दिल्ली साउथ आंसर आ रहा है। ओके, आंसर क्या था आपका इस क्वेश्चन में? यस, दैट इज ए आगरा नॉर्थ, एक आपका आंसर आ रहा है, डी दिल्ली साउथ। चेक करेंगे डियर क्या आ रहा है, ए आगरा, ए आगरा, एब्सोल्युटली ए आगरा आएगा कि साउथ आएगा, दोनों चीज चेक करेंगे। दिनेश एंड विजय नाउ फेसिंग ईच अदर, मतलब दिनेश और विजय एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं नहीं पता। और क्या बोल दिया यहां पर, सनराइज बोल दिया। जो बच्चा पूछ रहा था सर सनराइज का टाइम क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, सनराइज बोला तो सन कहां से उगेगा डियर, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मतलब बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट साइड उसकी क्या बनेगी, शेडो बनेगी। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो बनेगी वेस्ट में। एंड टॉकिंग दिनेश शेडो फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ विजय, मतलब दिनेश की आमने सामने है तो शेडो किसी की भी हो, डायरेक्शन किसका दिया हुआ है कि लेफ्ट ऑफ विजयन, मतलब देखिएगा विजयन के क्या लेफ्ट में, विजयन के लेफ्ट में शेडो किस कंडीशन में बनेगी डियर, सिर्फ एक कंडीशन में विजयन का लेफ्ट होगा, जब हमारे विजयन भैया कहां पर नॉर्थ फेसिंग होंगे, जब हमारे विजयन भैया कहां पर होंगे, नॉर्थ फेसिंग होंगे, तभी हमारे विजयन की शेडो यहां पर बनेगी लेफ्ट में। इन विच डायरेक्शन विजयन इज फेसिंग, तो विजयन की फेसिंग क्या हो गई, ए आगरा नॉर्थ, यहां पर आंसर आ गया। 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, यस इट्स मॉर्निंग टाइम, तो यहां पर क्या हो गया, तो अब एक और चीज सुन लीजिएगा, डायरेक्शन टेस्ट में एक और यहां पर क्वेश्चन आता है कि इन द मॉर्निंग प्रिया वॉक स्टार्टिंग टुवर्ड्स द सन, अगर मॉर्निंग बोला है और टुवर्ड्स द सन बोला है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। आपको ईस्ट ना बोल के ये भी बोल सकता है स्टार्टिंग, स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सन, तो आप ये समझ जाओगे कि ईस्ट डायरेक्शन में, सनसेट के टाइम पे स्टार्टिंग वॉकिंग टुवर्ड्स द सन, तो मतलब आप क्या समझोगे, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, यस वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड, यस ओके। लेफ्ट ऑफ विजयन, तो ये आपके विजयन है और विजयन के जस्ट सामने कौन होगा, यहाँ पर दिनेश होगा, तो उसकी तो हमें यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये है आपके क्या, जस्ट अ सेकंड गाइज, दिस आर योर क्वेश्चंस, ये है आपके डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन गाइज, दीज आर योर डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी दीज आर वॉट योर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर में हट रहा हूं थोड़ा सा, टाइमर आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विजन भैया गैदरिंग विटामिन डी, अरे विटामिन डी तो हमारे अपोजिट में भी मिलेगा। यस yes, अरे जी जब एग्जाम देके आओगे तो आपको याली फीलिंग आएगी, ठीक है। जब रीजनिंग के 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बढ़िया से आओगे तो आपको ये वाली फीलिंग आ जाएगी कि कौन भगवान है कौन नहीं। यस yes, चलिए फाइंड आउट द आंसर, दो बार टाइमर आपका रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, कैसे होगा सॉल्व, कैसे नहीं, सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस क्वेश्चंस में। अगर किसी को भी कॉन्सेप्चुअली काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, दीज आर योर रिवीजन क्लासेस गाइस।
सो वॉट आई एम ट्राइंग हियर, ताकि आपका यहाँ पर आंसर का रिविजन हो सके. अंडरस्टूड? ब्यूटिफुली डन गाइस, ब्यूटिफुली डन. यस आई वॉन्ट स्पीड. क्या हो गया, थक गए क्या स्टूडेंट यहाँ पर? अरे थकना मना है भैया लॉजिक रीजनिंग के मैराथन सेशन में. जब तक 2-2.5 घंटे से आधा गाड़ी नहीं चलती, इंजन गर्म ही नहीं होता लॉजिक रीजनिंग में, तो आप लोग तभी से थक गए. यस एक्स एक्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पर, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी टुवर्ड्स द बोर्ड. जस्ट लिसन हियर गाइज, दैट इज वॉट. ये है आपकी बेंच, ठीक है. ए पी आर एक्स एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो. और हम अगर क्या मान लेंगे इनको, सबको मान लेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, ताकि हमें लेफ्ट राइट में कोई प्रॉब्लम ना हो. कितने लोग हैं? 3, 3, 6. तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब क्या बोला है, एस एंड जेड आर इन द सेंटर. तो एस और जेड क्या है डियर, सेंटर में. तो ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी बैठ सकते हैं. अंडरस्टूड? इस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं और इस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं. नेक्स्ट, ए एंड पी आर एट द एंड्स. और ए और पी ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर पी और ए ऐसा भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे. जब तक के किसी की एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं मिलती, हम लीनियर में कभी भी उसे एब्सोल्यूटली नहीं बैठाएंगे. अंडरस्टूड? अब क्या बोला है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए. अगर आर डियर ए के लेफ्ट में यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो मतलब ये ए की पोजीशन नहीं होगी. अगर आर जो है ए के लेफ्ट में है, तो भैया मतलब ये ए की फाइनल पोजीशन है, ये आर की पोजीशन है और ये पी की फाइनल पोजीशन है. फिर उसके बाद क्या बोल दिया, हु इज टू द राइट ऑफ पी. अब बचा कौन यहाँ पर? यहाँ पर तो आ गया ए आर. अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पी. अंडरस्टूड? सिर्फ एक पर्सन बचा, दैट इज एक्स. तो राइट ऑफ पी कौन है यहाँ पर? एक्स है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे, दैट इज एक्स इज द करेक्ट आंसर. जब तक के फिक्स पोजिशन नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ पर उनको नहीं बैठाएंगे. यस बी इज द रियल आंसर. एब्सोल्युटली देखिए, एस जेड कहीं भी आगे पीछे बैठे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है. ओके यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. दिस वन अगेन लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. कितने दोस्त हैं यहाँ पर? 5 फ्रेंड्स है. ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन की फेसिंग रखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर. अरे नहीं भैया, नो ब्रेक, नो ब्रेक्स आर अलाउड. क्यों भैया? नहीं, क्यों ब्रेक चाहिए? बस अरे मजे से करिए क्वेश्चंस को. देखिए किसी को बैठाने उठाने में भी आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बना दे रहा है और आप इतने बढ़िया क्वेश्चन बोर हो रहे हैं. फेसिंग क्या लेंगे सर? फेसिंग भैया मैंने बताया है, जब अगर नहीं दिए तो सबकी फेसिंग नॉर्थ ले लीजिए, हर एक की फेसिंग नॉर्थ ले लीजिए, ताकि लेफ्ट राइट में आपको दिक्कत ना हो. नॉर्थ मतलब सेम फेसिंग, सारे के सारे सेम फेसिंग. ओके जस्ट वेट, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए. आपके अब इसके बाद तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, आपको पेन भी नहीं उठाना है उन क्वेश्चंस में. इसके बाद बस नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, आपको पेन भी नहीं उठाना है उन क्वेश्चंस में. यस चलिए टाइमर को अब स्टॉप कर देते हैं गाइस. और आंसर यहां पर आ रहा है, एक आंसर सी चेन्नई आ रहा है, बाकी का बी बॉम्बे आ रहा है. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बाद नॉन वर्बल में आएगा, नॉन वर्बल में तो और ज्यादा मजा आने वाला है. ओके वर्बल का वहां पर कुछ पार्ट ही नहीं है. सी चेन्नई नहीं, सी चेन्नई इज द रॉन्ग आंसर. ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच. ये हमारी बेंच हो गई 5% की, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हम क्या मानेंगे, जब तक के नहीं बोला सभी को सिंगल डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग. ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी. जब तक के पोजिशन फिक्स नहीं है, तब तक के मत बैठाना. तो क्या बोला, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी. तो इधर भी बैठ सकता है, इस डायरेक्शन में भी बैठ सकता है. नेक्स्ट, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी. सी किसके, डी के नेक्स्ट में बैठा है, कहीं पर भी बैठ सकता है. ठीक है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऐसा बोल रहा है बस सुनते चलिए, बाद में हमें समझ में आ जाएगा. डी किसके, ई के साथ नहीं बैठा है, तो हमने डबल एरो बना दिया बीच में. ठीक है, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डी इज नॉट सिटिंग विद द ई, और क्या बोला, हु. अगर एंड बोलता तो मैं डी की बात करता है, हु बोला है तो मतलब किसकी बात हो रही, ई की बात हो रही है. मतलब Who is on the left end of the bench? मतलब किसकी बात हो रही है, E की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, That is your E will come here. Understood? Who मतलब इसकी exact position हमें मिल चुके हैं यहाँ पर. Understood? C is on the second position from the right. C कहाँ पर है, second position from the right. यहाँ पर कौन है dear, आपका C है. C is from the second position from the right. तो D यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है. आगे देखेंगे,
ए इज टू द राइट ऑफ बी, डायरेक्टली बता दिया कि ए कहां पर है, बी के राइट में, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, और सिर्फ बी के नहीं ई के भी राइट में है, ए किसके राइट में, बी के भी राइट में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज बी एंड ए, तो ए कहां हो गया, बी और ई के राइट में। नेक्स्ट लाइन, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी बिल्कुल अच्छी बात है सिटिंग टुगेदर, तो सी का पड़ोसी कौन था, डी डी था, तो यहां पर आ जाएगा डी। दिस इज योर आंसर, इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, तो ए कहां पर बैठा हुआ है डियर, ए किस किस के बीच में बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में कौन बैठा है आपका, ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे, दैट इज बिटवीन बी एंड सी। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, डी दिल्ली नहीं, डी दिल्ली कहां पर, सी एंड ई के बीच में थोड़ी आएगा, सी और ई के बीच में थोड़ी आएगा, ई लेफ्ट हैंड में बैठा हुआ है, सी राइट से सेकंड में बैठा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, दिस इज द आंसर। देखिए बी और ई दोनों के राइट में है, लेकिन हमें पता है ई कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा, तो इसलिए बी यहां पर आया। अंडरस्टूड? यस यस। सर फेसिंग कैसे डिसाइड हुआ, देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ या फिर लीनियर अरेंजमेंट हुआ, जब आपको फेसिंग मेंशन नहीं है तो लीनियर अरेंजमेंट में मान लेंगे क्या, नॉर्थ मान लेंगे, या फिर ये मान लेंगे कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेसिंग है, और सर्कुलर में अगर कोई भी फेसिंग नहीं दी है तो हम मान लेंगे कि सेंटर फेसिंग है। अंडरस्टूड? और अगर एग्जामिनेशन में वाला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर गलत बताता मेरे पास आइएगा डियर, आई विल कम टू यू टू चैलेंज दिस, इस नियम से बाहर जा ही नहीं सकती बात। अगर कोई भी फेसिंग मेंशन नहीं है तो इसका मतलब लीनियर में नॉर्थ आएगी और सेंटर में सर्कुलर में सेंटर फेसिंग आएगी। ओके यस वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लीनियर लीनियर बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा सर्कुलर एंड डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे भी वर्क करेंगे। तो नंबर सीरीज में टाइम बचा लिया, अल्फाबेटिकल में टाइम बचा लिया, एनालॉजी में टाइम बचा लेंगे, तो टाइम लगाना कहाँ है, 35 मिनट ऐसे ही क्वेश्चंस में तो लगाना है, सिटिंग में, डायरेक्शन में भी टाइम बचेगा, सिलॉक्स में भी टाइम बचेगा आपका, नॉन वर्बल तो सेकंड्स के अंदर आपका उड़ने वाला है। ओके सी आपने क्यों लिखा था डियर, सी का तो उसमें आंसर नहीं आ रहा था। ओके चलिए 45 45 90 अगर यहाँ पर चल रहे तो गलत बात है, बट फिर भी हम कितना प्रैक्टिस करेंगे इसको 60 सेकंड्स के अंदर उड़ाने की कोशिश करेंगे। आंसर इज कमिंग आउट टू बी सी चेन्नई आंसर आ रहा है, ए आगरा आंसर आ रहा है। ओके लेट्स एंड द टाइमर एंड द 15 सेकंड। यस एंड योर आंसर इज व्हाट, यहाँ पर आंसर इज डी दिल्ली इज द आंसर गाइज, डी दिल्ली इज द आंसर। कैसे चेक करेंगे, सिक्स फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, ना ही सर्कुलर ना ही आपका कौन सा लीनियर, क्या बोल दिया, हेक्सागोनल टेबल है ये हुआ आपका, क्या हेक्सागोनल टेबल मतलब उसके हेक्सागोन मतलब उसके छह साइड्स होते हैं और इक्वल होगा ये, भले आपको इक्वल दिख नहीं रहा है लेकिन इक्वल होगा। ठीक है नेक्स्ट, एट टेबल ईच एट वन कॉर्नर, तो कॉर्नर कौन कौन से हो गए हमारे, ये हमारे सारे के सारे क्या है, हेक्सागोनल टेबल के कॉर्नर है, छह फ्रेंड है, छह कॉर्नर सबको यहाँ पर बैठा देंगे, एंड फेसिंग सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, और सभी के सभी कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द हेक्सागोन पे फेस कर रहे हैं। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे भी किसी की पोजीशन मिलती है बैठा दीजिए, वहां से बैठाना शुरू कर दीजिए, लीनियर में जब तक नहीं मिलती हम नहीं बैठा सकते, सर्कुलर में बैठा सकते हैं। क्या बोला है, पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो लेट अस सपोज मैंने यहां पर यू को बैठाया, तो यू की सेंटर फेसिंग है, तो यू का लेफ्ट इस साइड में होगा, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, यहां पर पी आ गया। Then Q is neighbor of R and S. Q किसका neighbor है dear? R और A, S का, तो ये position दोनों हो सकती है, R और S भी आ सकता है, S और R भी आ सकता है। T is second to the left of S. चलिए मतलब हम यहाँ पर क्या बोला है, Q किस किस का neighbor है, R और S का, and T is second to the left of S. और क्या बोल दिया, T second to the left है, कि अगर second to the left मतलब वन एंड टू, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी R है, तो ये तो position आपकी गलत हो गई। पोजीशन क्या रहेगी डियर, ये पोजीशन रहेगी, एक ब्लैंक खाली और ये टी यहां पर है, मतलब एस क्यू आर आपके लाइन से आने वाले, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एस क्यू आर आपके क्या आएंगे डियर, लाइन से आएंगे। अब मैं बाकी सारे के सारे को बैठाऊंगा, एस क्यू आर लाइन से आने के लिए तीन पोजीशन कहां खाली है, सिर्फ यहां खाली है, तीन पोजीशन सिर्फ यहां खाली है, जिसमें कि क्या रहेगा, एस के लेफ्ट में क्या होना चाहिए आपका, सेकंड लेफ्ट में टी होना चाहिए, एस के सेकंड लेफ्ट में टी होना चाहिए, दैट मींस व्हाट, यहां पर आपका क्या आ रहा होगा, क्यू, ठीक है, क्यू की फेसिंग ये सेंटर की हो गई, क्यू के लेफ्ट में कौन है डियर, यहाँ पर एस, तो यहाँ पर कौन आ गया, एस, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, फर्स्ट, और सेकंड लेफ्ट ये हो गया टी के पोजीशन,
और Q के राइट साइड में, तो ये Q की फोर्सिंग है, तो राइट साइड में कौन आ गया, यहां पर R आ गया। अंडरस्टूड? यस। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू द P, P के अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा है डियर, P के अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा है यहां पर, इज योर S, आंसर क्या हो जाएगा, D डेली, दैट इज S इज द आंसर। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर नो? जस्ट आंसर मीन कमेंट गाय, यस कमेंट सेक्शन बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो गाइस। यस चलिए, नहीं आया सुनिएगा, यस 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 एस आंसर आएगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। बस आपको यहां पर कंडीशन देखनी थी तो ये वाली कि P किस किस के बीच में आएगा, Q S और R के बीच में, सेकंड लेफ्ट देखा तो सिर्फ पहले पोजीशन आ रही थी तो हमने उसके हिसाब से बैठा दिया। ओके यस आई हैव सेंड दैट, यस मैंने बिल्कुल भेज दिए, बिल्कुल कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट बिल्कुल सहन नहीं किए जाएंगे कमेंट सेक्शन में। द रिदम ऑफ द क्लास इज व्हाट, हमारा इतना बढ़िया रिदम चल रहा है, रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लास का। यस यस एब्सोल्युटली डन, द वर्क इज अंडर प्रोसेस, डू नॉट वरी, द वर्क इज अंडर प्रोसेस, आई हैव चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। वेरी गुड, पढ़ाई के अलावा सारी चीजें करवा लो इनसे कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए, बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं डियर बिल्कुल यहां पर बने रहिए, अभी हम नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सेटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बचे हैं बस हमारे पास। ओके नाउ आपका टाइमर सेकंड टाइम भी यहां पर कंप्लीट होते जाएगा, ए आगरा आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है डियर, ठीक है। बस नॉन वर्बल का पोर्शन और करेंगे, एक और क्वेश्चन आपका सेटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व करने का, डायरेक्टली हम नॉन वर्बल का क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, 6 फ्रेंड्स फरा आकृति प्रांजल प्राकृति नेहल एंड गंगा आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये आपका सर्कल हो गया, कितना है 6 फ्रेंड्स है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन हटाइए, दीज आर द पोजीशन, 6 फ्रेंड्स है, ये वाली पोजीशन हटा दीजिए, ये हो गई पोजीशन इसकी। आकृति टू द इमीडिएट राइट ऑफ गंगा, अगर मान लीजिए यहां पर गंगा है तो गंगा का लेफ्ट और राइट, तो यहां पर कौन आ गया डियर, आकृति इज द इमीडिएट राइट ऑफ गंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रांजल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नेहल, प्रांजल कहां है, नेहल के सेकंड टू द लेफ्ट में। फरा इज बिटवीन आकृति एंड प्रांजल, फरा किस किस के बीच में है, आकृति और प्रांजल, तो ये फरा और यहां पर क्या हो गया डियर, प्रांजल, और क्या बोला है, प्रांजल इज व्हाट, यहां पर क्या बोला है डियर, नेक्स्ट कहां था ये, प्रांजल इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो प्रांजल को किसी के लेफ्ट में होना, तो एन कहां पर आएगा, यहां पर, तो ये एन है, तो एन का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट ये रहा प्रांजल। ओके तो सिर्फ और कौन बचा यहां पर, दैट इज व्हाट, प्राकृति इज रिमेनिंग, दैट इज ये आपकी क्या हो गई, प्राकृति की स्पेस हो गई। अब पूछा क्या है, बिटवीन विच टू पर्सन इज प्राकृति सिटिंग, प्राकृति किस किस के बीच में बैठी है भैया, दैट इज नेहल, प्रांजल एंड नेहल, ए आगरा इज द आंसर। कितने देर में हुआ, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा याला, अंडरस्टूड, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा याला, एब्सोल्युटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पूरा की पूरा ध्यान से करेंगे, गलत आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे अगले क्वेश्चन में। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू आंसर इट प्रॉपरली, दैट इज 8 फ्रेंड्स, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जितना रीजनिंग का इजी क्वेश्चन उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और आपको गलत करवाने के चांसेस उतने ही ज्यादा। यस बस समझने पर ध्यान दीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ी देर और डियर, आपके पास थोड़े से नॉन वर्बल क्वेश्चन बचे, उसको तो 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड में उड़ाएंगे, आज वर्क कर लीजिए, कल का सेशन थोड़ा सा क्योंकि शॉर्ट रखेंगे तो आज वर्क कर लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। यस कोई भी गलत आंसर, रॉन्ग आंसर विल नॉट बी अप्रिशिएटेड हियर, रॉन्ग आंसर्स विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। ओके
ओके बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चंस बचे डियर। हम अगर ऐसा है तो नॉन वर्बल को कल डिस्कस कर लेंगे। ए आगरा एब्सोल्यूटली यहां पर चेक करेंगे आंसर क्या आ रहा है। यस आंसर इज कमिंग आउट टू बी ए आगरा बी। मैंने बोला था गलत आंसर की गुंजाइश यहां पर नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द टूडे गाइज। बाकी चीजें हम लोग कल अटेंड कर लेंगे। कल भी टाइम पर ही आइएगा। पूरा की पूरा रीजनिंग का हमें रिविजन करना है। ओके साउथ यस ए आगरा साउथ बी बॉम्बे। अरे भैया नहीं बहुत गड़बड़ आंसर्स आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनेगा। योर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द बोर्ड। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। देखिए 8 फ्रेंड्स है एंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन अ काउंटर क्लॉकवाइज मैनर इन द सेम सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस भी इन्होंने दे दी और क्या बोला है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में और किस टेबल पे सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। तो ये आपका क्या हो गया सर्कुलर टेबल। 8 दोस्त है तो ये मैंने 8 ही 8 की सीटिंग बना दी। अब क्या पूछा है यहां पर क्या लो इफ एन इज सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट। मैंने बताया था सिटिंग कब बोला है फेसिंग कब बोला है ध्यान से आंसर करेगा। एन कहां पर बैठा है ये रहा नॉर्थ ये रहा वेस्ट तो एन बैठा है नॉर्थ वेस्ट में। एन बैठा है नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग नहीं बोला है। एन इज सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट। अब काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज कर दीजिए सभी को। दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब इस डायरेक्शन में जाऊंगा। दैट इज एन ओ पी यहां पर क्यू आर और उसके बाद आपका क्या रहेगा यहां पर के एल एम। अंडरस्टूड के एल एम ये हो गया आपका सिटिंग का अरेंजमेंट। इतना सा ही क्वेश्चन था बस आपको ये को ध्यान से पढ़ना था। देन इन विच डायरेक्शन क्यू इज फेसिंग। क्यू किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है क्यू किस डायरेक्शन बैठा है वो नहीं पूछा है। क्यू किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो क्यू सेंटर फेसिंग है इस डायरेक्शन में फेस करेगा। तो क्यू की फेसिंग क्या होगी डियर दैट इज क्यू की फेसिंग क्या होगी नॉर्थ फेसिंग हुई। भैया सिटिंग पूछता तो सिटिंग आती साउथ बट पूछा क्या है फेसिंग पूछा है तो फेसिंग क्या आएगा डियर दैट इज बी बॉम्बे नॉर्थ। अंडरस्टूड फेसिंग और सिटिंग दोनों का बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग। फेसिंग एंड सिटिंग दोनों का बहुत ध्यान से करेंगे। अरे क्लियर और नॉट गाइस यस और नो। यस सर टुमारो टाइम विल बी 2 PM ओनली। कल भी आपकी 2 PM पे ही रहेगी क्लासेस बिल्कुल मिस मत करेगा। और आज 6 PM पे एक और मैराथन होने वाला है जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज वो शॉर्ट मैराथन रहेगा। ओके यस क्वेश्चन इज वेरी इजी बट गलती करने जितना इजी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में उतने ज्यादा गलती के चांसेस चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए यहां पर। ओके वी कैन नाउ कौन सा लीनियर अरेंजमेंट स्टेट लीनियर अरेंजमेंट का हम यहां पर स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। यू कैन ट्राई इट फॉर होमवर्क आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है डियर सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके अगेन लीनियर अरेंजमेंट यू कैन ट्राई दिस एट होम अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चन। ठीक है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा किस डायरेक्शन में बैठा है किस डायरेक्शन में फेसिंग बोला है गलती मत करना। ओके नॉन वर्बल भी कराएंगे डियर इन द टुमारो क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग व्हाट नॉन वर्बल। कल की क्लास में नॉन वर्बल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यस यस एब्सोल्युटली एनी आंसर्स गाइस। आपका टाइमर अगेन यहां पर उसी के बाद रन करने लग गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंटी क्लॉक में क्यू बैठा है सर अल्फाबेट बी बॉम्बे आंसर आ रहा है लेट्स चेक द आंसर। नहीं ए आगरा अगेन डियर ऐसी गड़बड़ी नहीं। एंटी क्लॉक में क्यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है बिल्कुल चेक करेंगे यहां पर गड़बड़ी नहीं। भैया ऐसी गड़बड़ी करो कैसे मजा आएगा। दैट इज वॉट ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है। 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू ये आपका क्या हो गया पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आपको बोलते हैं। किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में बैठाना है इस बार। और सर्कुलर टेबल इन द सेम ऑर्डर क्या बोला टी इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। टी कहां बैठा है ये आपका नॉर्थ ये रहा आपका ईस्ट तो ये बैठा हुआ है आपका टी। अंडरस्टूड अब टी के हिसाब से सबको बैठा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट इज टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद वापस से क्या पी क्यू आर एंड एस
ये आपका वापस से क्या हो गया, पी क्यू आर एंड एस। इफ क्यू एंड डब्ल्यू इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अब क्या बोला है, क्यू और डब्ल्यू अपने प्लेसेस क्या करते हैं यहाँ पर इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब ये आ गया डब्ल्यू, ये आ गया क्यू, ये दोनों की न्यू पोजिशन है। तो इन विच डायरेक्शन विल डब्ल्यू बी सिटिंग, सिटिंग मतलब किस डायरेक्शन में बैठा है डब्ल्यू, तो भैया इस डायरेक्शन में बैठा है, अंडरस्टूड। ये डब्ल्यू की क्या होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन इज नथिंग बट वॉट, वेस्ट। योर आंसर इज ए, आगरा इज द आंसर। अरे क्लियर और नॉट, यस और नो गाइस, यस ए आगरा दैट इज वेस्ट इज द आंसर, वेरी गुड, ए आगरा वेस्ट आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए सभी लोग बताइए आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, सिटिंग, फेसिंग, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर, हेक्सागोनल, सारी चीजें देख लिए। अब कल के सेशन में हमारे पास सिर्फ बचा है ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये वाले कुछ क्वेश्चंस रैंकिंग के और नॉन वर्बल का पार्ट, अंडरस्टूड। ये आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं कल के क्वेश्चन में, कल के सेशन में भी 2 बजे हम करने वाले हैं, कितने बजे, 2 PM एट द सेम चैनल। तो कल के सेशन में भी सभी लोग आइएगा गाइज, ओके, डू नॉट फॉरगेट। और आज 6 से 8 बजे GS टर्मिनल चैनल पे आपका एक और क्लास होने वाली है, ओके, यस, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। कल के सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ये सारे के सारे, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये सारे आपके कल के सेशन के क्वेश्चंस हैं, वी विल डेफिनेटली कवरिंग दिस, दिस इज द नेम ऑफ द सेशन ऑफ द टुमारो, यस, थैंक यू, इट्स टाइम टेकिंग सर, ये 30 सेकंड्स ही तो लेगा, उसमें ही आपको सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। आपके पास एग्जामिनेशन में दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, दिस इज वॉट अगेन, 5 घंटे में जो हम रीजनिंग का दी एंड लेकर चले थे, कल आपका सेकंड सेशन होगा, दैट इज वॉट एट 25th of October 2 PM। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑन द सेम चैनल, दैट इज अन अकेडमी SSC JEE, ओके गाइज, ऑफकोर्स डेफिनेटली आना ही आना है, एंड डियर वॉट, just one support from you guys, just give your consistency and do share this video as much as you can, ताकि ऐसे ही और मजेदार sessions करते रहें। और 5 घंटे में हमारे को क्या मिल रहा है, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये मत भूलिएगा यहाँ पर, where is the marks, this is the mark, that is 5 घंटे में कितने 50 marks, अरे इससे ज्यादा क्या करोगे dear, 50 marks आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 5 hours में 50 marks, ओके, यस। तो क्या करना है, जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक बटन हिट नहीं करी, हिट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस एंड डू शेयर दिस वीडियो, शेयर करोगे कि नहीं गाइस, यस और नो, डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड जस्ट नोट डाउन वन मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आज आपका कितने बजे से 6 to 8 PM आपका यूट्यूब पे ही सेशन होने वाला है, दैट इज GS टर्मिनल चैनल पे, GS टर्मिनल पे सभी लोग वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज करेंगे 6 to 8 PM टुडे ओनली, दैट इज व्हाट एट द यूट्यूब चैनल GS टर्मिनल, ये आपकी चल रही है GS क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। मेरे सारे सेशंस वहां पर, अब जितने भी रीजनिंग के सेशन थे सारे के सारे आपको वहां पर मिल रहे हैं सेशन, तो आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 6 to 8 PM। बाकी कल तो हम 2 PM पे हमारा लेक्चर लेंगे ही लेंगे, यस डेफिनेटली डियर, यस यस यस। तो हमें अब एम मत भूलेगा, एम हमारा एक बार एम बता दीजिए, यस डियर, आई एम कंडक्टिंग दैट GS क्वेश्चन सीरीज, यहाँ पर आपका पार्ट 4 है 6 to 8 GS टर्मिनल पे। अब मैं आपके लिए सिर्फ लॉजिक रीजनिंग के 50 marks नहीं, आपके जनरल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 9 marks के लिए भी अवेलेबल हूँ गाइज, यू कैन ज्वाइन मी फॉर दिस ऑल्सो, ओके, यस। चलिए सो मूविंग ऑन अहेड गाइस, तो कैसे जाना है, फॉर एनी अपडेट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, यू कैन गेट कनेक्टेड टू माय प्रोफाइल एंड आल्सो गेट कनेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज GS चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों की दोनों चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, यस, एब्सोल्युटली शॉर्ट रिविजन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे एकदम झमाझम, एंड दिस इज वॉट योर GS सेमिनार की टेलीग्राम लिंक आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं सर्च करके, ओके, एंड जो भी स्टूडेंट मुझे अन अकेडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं गाइस, यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी प्लस वाया वॉट, आप मुझे लाइव क्लासेस के लिए, आपकी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट और सारी चीजों के लिए मुझे अन अकेडमी प्लस पे भी क्या ज्वाइन कर सकते हैं, एवरी 4th session इज योर डाउट क्लियरिंग सेशन। So just what you have to do just one thing, choose your goal as SSC examination and click on get subscription button. अब जैसे ही subscription button पे click करोगे आपके पास different type terms के plan आएंगे, that is 12 month and 24 month plan, and the code word you use will be ASR Live, Ajay Singh Rathore Live, this is your referral code,
दैट इज एएसआर लाइफ अजय सिंह राठौर लाइफ एंड क्लिक ऑन द अप्लाई बटन, तो यहां से आपको क्या डियर, आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। और आपके यहाँ पर यू कैन चेक आउट माई साइंस कोर्सेज और लॉजिकल रीजनिंग अपकमिंग कोर्सेज भी। सर प्लीज अपलोड जीएस क्वेश्चन सीरीज पीडीएफ, एब्सोल्युटली, लेकिन वो कहां पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं जो प्रीवियस वीडियोस नहीं कर पाए हो तो। ओके यस, क्लास आज होगी 6-8 PM पे, फिजिक्स के बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं और केमिस्ट्री के भी हमने बहुत क्वेश्चन कंडक्ट किए हैं वहां पर, 6-8 PM। ओके सो नेवर एवर फॉरगेट टू यूज अ कोड दैट इज एएसआर लाइफ अजय सिंह राठौर लाइफ। भैया लॉजिकल रीजनिंग का मजा ही किसमें है, लाइव क्लासेस में। ओके चलिए मैं सारी की सारी अपलोड कर दूंगा काव्या जी, डू नॉट फियर। ओके दिस इज अवर चैनल, यू कैन चेक आउट अवर दिस चैनल, दिस इज फॉर आरआरबी एंड एसएससी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द नॉन टेक, दैट इज व्हाट जीएस टर्मिनल चैनल। आपके आप सारे के सारे वीडियोस यहां पर डालेंगे। कल का हमारा सेम चैनल दैट इज इसी चैनल पे है 2-4 वाला मैराथन, कल आपका लेटर ऑन रहेगा, ठीक है। सो दोज हु आर न्यू ईयर गाइज ऑन अवर अनअकैडमी एसएससी जेई प्लेटफॉर्म एंड जीएस टर्मिनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। 100% डिस्काउंट नहीं, 100% सिलेक्शन कोड बोलिए, सिलेक्शन आपका यहां से शॉर्टी से आ जाएगा। ओके सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, वी विल मीटिंग टुमारो एट 2 PM ऑन द सेम चैनल, और आज 6 बजे जीएसएम चैनल पर मिलेंगे।